चलो, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो चैट पे क्या लिखा हुआ है? हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, प्रॉपर लेक्चर है, डाउट लेक्चर। आई थिंक लास्ट 45 मिनट्स वी कैन टेक डाउट्स और 1 आवर वी कैन डू डाउट्स, बट अदरवाइज फॉर द फर्स्ट 1.5 आवर आई टीच। राइट, चलो। तो कोई याद दिलाएगा लास्ट लेक्चर क्या चल रहा था? वैसे आई थिंक मुझे याद आ गया है क्या चल रहा था। एंगल बाइसेक्टर्स। यस सर। चलो ठीक है, ओके। तो एंगल बाइसेक्टर वाज लेफ्ट। तो एंगल बाइसेक्टर का फर्स्ट पार्ट बता दिया था, इफ आई रिमेम्बर। वी वर डूइंग एंगल बाइसेक्टर में बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग अ पॉइंट, है ना? यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो मैं इसे कंटिन्यू करते हैं। मैंने इतना याद है मुझे कि मैंने ये बता दिया था कि दो लाइंस गिवन है, L1 एंड L2, एंड लेट्स से देयर इज अ पॉइंट हियर PX1Y1। तो दिस इज द एंगल विच कंटेन्स द पॉइंट X1Y1। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई ये वाला कौन सा वाला बाइसेक्टर है, दिस इज विच बाइसेक्टर? तो इसमें लास्ट टाइम मैंने ट्रिक तो बता दिया था, और मोस्ट 99% ऑफ द टाइम यू जस्ट नीड टू अप्लाई ट्रिक। वैसे कोई आजकल पूछता भी नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, सो नोबडी आस्क दिस एनीमोर। बट एनीवे, ट्रिक क्या बताई थी मैंने कि पुट पी एच कॉमा के, सॉरी, पुट पी X1Y1 इन L1 एंड L2। L1 और L2 में एच कॉमा के रखो। ऑलराइट, तो कुछ वैल्यूज मिलेंगी, कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अगर दोनों वैल्यूज हैं उनका साइन सेम है, दैट इंप्लाइज पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर जो था। इफ यू रिकॉल, पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर। एंड अगर वो दोनों वैल्यूज का अपोजिट साइन आता है, इसका मतलब है नेगेटिव वाला बाइसेक्टर इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर। ये मैंने ट्रिक बता दिया था। नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। एक बार समझाऊंगा, समझ आ जाता है तो अच्छी बात है। देखो अच्छे से समझना। लेट्स से मैं ये ले रहा हूं, लेट्स से दे गिव सेम साइन, अज्यूमिंग कोई या तो सेम साइन होगा या अपोजिट होगा, इट डजंट मैटर। लेट्स से सेम साइन, लेट्स से पी गिव्स सेम साइन इन L1 एंड L2। मतलब बच्चों, A1 X1 प्लस B1 Y1 प्लस C1, X1 Y1 L1 पे पुट करा और L2 पे भी पुट करा, तो A2 X1 प्लस B2 Y1 प्लस C2, ये दोनों सेम साइन है। ये बात समझ आ रही है? दोनों का साइन सेम है, ये उसने दे दिया एक तरीके से। ऑलराइट, इफ दिस इज गिवन, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कौन सा वाला इज दिस रेड वाला लाइन, कौन सा बाइसेक्टर, प्लस वाला इक्वेशन है माइनस वाला इक्वेशन? एक काम करते हैं, लेट्स लेट्स गो बैक टू द डेरिवेशन, दैट इज लोकस। लेट एस एच कॉमा के बी द लोकस ऑफ दिस बाइसेक्टर, नॉट जस्ट एनी एंगल बाइसेक्टर, दिस ओनली जो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है। एस एच कॉमा के इज द लोकस ऑफ दिस बाइसेक्टर, ठीक है? बट सिंस दिस इज लोकस ऑफ बाइसेक्टर, ये तो अभी भी सेम ही होगा ना डेटा, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज आर इक्वल। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज आर इक्वल, तो यहां तक तो पूरा का पूरा डेरिवेशन सेम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक तो सेम होगा। इफ इट्स एन एंगल बाइसेक्टर, इट मस्ट स्टिल बी सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लाइंस। किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। बट नाउ दिस कम्स इनटू पिक्चर कि यार एक ही लाइन होगा ये, तो प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस माइनस दोनों नहीं हो सकता ऑफकोर्स, ठीक है? तो ध्यान से देखना, एस एच कॉमा के, एस एच कॉमा के इज द लोकस ऑफ दिस बाइसेक्टर, रेड वाला लाइन, ठीक है? कैन आई से एस लाइज इन द सेम रीजन एस पी विद रिस्पेक्ट टू दीज टू लाइन? जल्दी बताओ, एस लाइज इन द सेम रीजन एस पी विद रिस्पेक्ट टू दीज टू लाइन्स? एक तरीके से मतलब, इन शॉर्ट, लेट्स से मैंने अज्यूम किया कि पी वॉज गिविंग सेम साइन, मतलब पी L1 पे प्लस दे रहा है और L2 पे भी प्लस दे रहा है। तो कोई मुझे बताएगा एस को L1 और L2 के रिस्पेक्ट में क्या देना चाहिए? इवन इफ एस इज वेरिएबल, इट इज स्टिल इन दिस रीजन ना? जल्दी बताओ, सेम रीजन है? यस सर। सेम रीजन तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव साइन। हाँ, सेम साइन फॉलो करना चाहिए एज द अदर पॉइंट। तो लेट्स से पी ने इस पे प्लस प्लस दिया है, इफ पी गे प्लस प्लस, तो एच कॉमा के अगर L1 और L2 पे रखूंगा तो क्या वैल्यूज मिलनी चाहिए? प्लस प्लस। आर यू फॉलोइंग दैट? यस सर। तो ये देखो, इसका न्यूमरेटर देखो, वैसे मॉड्यूलस खाली न्यूमरेटर में है क्योंकि डिनोमिनेटर तो वैसे भी पॉजिटिव है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये दोनों की वैल्यू सेम साइन था, मान लो ये दोनों प्लस प्लस थे,
ये बोथ ऑफ देम आर प्लस प्लस, तो एच कॉमा के एलवन पे रखो, तो एच कॉमा के एलवन पे रखने पे यही वैल्यू है, दीज टू मस्ट ऑल्सो बी प्लस प्लस, यस और नो, दीज टू मस्ट ऑल्सो बी प्लस प्लस। तो अगर अंदर वाला क्वांटिटी ऑलरेडी प्लस है तो मॉड कैसा ओपन होगा, अगर अंदर वाला क्वांटिटी ऑलरेडी प्लस है तो मॉड कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव करके ओपन हो जाएगा। नेगेटिव साइन आएगा क्या इस बार, जल्दी बताओ, एनी चांस ऑफ गेटिंग अ नेगेटिव साइन? नो सर, नो। अगर मान लो पी ने सेम, आई एम टॉकिंग अबाउट सेम साइन, अगर पी ने मान लो माइनस माइनस दिया होता, इफ पी हैड गिवन माइनस माइनस, तो एस एच कॉमा के को भी क्या देना पड़ता, माइनस माइनस, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव होती तो बच्चों ओपन क्या होता इवेंचुअली, दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव होती तो पहला भी नेगेटिव ओपन होता, दूसरा भी नेगेटिव होता, यस और नो? यस, यस सर। वो माइनस माइनस कैंसिल करके कितने बच्चों से हमारा दिस इक्वल्स टू प्लस दिस ही बचता इवेंचुअली, इज दिस ओके? यस सर। अच्छा, दूसरा वाला क्या बताया था मैंने, ऑपोजिट साइन है, तो देखो अब तुम्हें समझ ही आने लग गया होगा, अगर पी एच कॉमा के एल वन एल टू पे अपोजिट साइन देता है, इस पे प्लस दिया इस पे माइनस दिया, तो कितने बच्चों से हमारा कि एच कॉमा के को भी इस पे प्लस और इस पे माइनस देना पड़ेगा, तो कैसा ओपन होगा इवेंचुअली मॉड, इस पे प्लस दे रहा है तो ये तो प्लस ही ओपन होगा, बट इस पे माइनस दे रहा है तो एक माइनस साइन ओपन होगा, तो इवेंचुअली दिस इक्वल्स टू माइनस दिस बच जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर, वही लिखा है, दिस इक्वल्स टू माइनस दिस वाला इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर, और सेम साइन है तो दिस इक्वल्स टू प्लस दिस वाला इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर, समझ गया क्या सबको? यस सर। हां बस, दिस इज द रीजन, एंड यू डोंट हैव टू नो द रीजन, मैं ये पूरा हटाने वाला हूं, सुपर यूजलेस, इनफैक्ट द एंटायर थ्योरी ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज सुपर यूजलेस, If you can just remember that trick, you are good to go. You are good to go. Pura theory faltu hai. All right? So, can we copy? No, you don't have to copy this. Ye khali understanding purpose ke liye tha, you don't have to copy this, no. Sir, can you give an example? Example, why not? Matlab, de sakta hu. Apan aise frame kar lo example. Matlab, koi problem nahi hai. Jaise, do line le lo. x plus y minus 7 equals to 0 और एक ले लो 2x minus 3y plus 11 equals to 0, ऐसी दो लाइन से मान लो, ठीक है, और एक रैंडम अपनी मर्जी से पॉइंट ले लो, जस्ट दैट p पॉइंट शुड नॉट लाई ऑन द लाइन, जस्ट दैट p पॉइंट शुड नॉट लाई ऑन द लाइन, तो जैसे मैं ले लेता हूँ 1,1, 1,1 दोनों लाइन पे निलाई कर रहा है, तो ये कोई लाइन होगी, ये कोई लाइन होगी, है ना, रैंडम, और 1,1 किसी चार, इन चार रीजन में से किसी एक रीजन में लाई कर रहा होगा, तो वी आर लुकिंग फॉर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन्स दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट वाला ये एंगल है, तो इसको बाइसेक्ट कौन सी वाली इक्वेशन कर रही होगी, प्लस वाला बाइसेक्टर माइनस वाला बाइसेक्टर, तो इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू दिस, एज सिंपल एज दैट, 1,1 को इस पर रखो, क्या मिल रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव, 1,1 को इस पर रखो, क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो सीधे आंसर लिखना है, तुम्हारा आंसर क्या है बच्चों, दिस equals to this. Did you understand what I meant by negative yes. wala is the required bisector? Yeh, bas. Bas. That's it. Sir, dono theory mein difference kya aapne jo pehle angle bisector ka sikhaya tha aur abhi jo sikhaya? Yeh difference hai hi nahi na, yeh usi ka sub part hai, sub part. Angle bisector ke andar hi ek special case apan padh rahe the. Ki angle bisector mein bhi, jaise aisa hota hai na, dekho, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, पूछने वाले बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम ऐसे बताया भी था कि ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो इन दोनों एंगल बाइसेक्टर को अपन डिस्टिंग्विश कैसे करें, तो एक तरीका तो मैंने ऐसे बता दिया कि ये वाला बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग सम गिवन पॉइंट, तो ये वाला नॉन एंगल वाले का बाइसेक्टर ऐसा, और एक और तरीका पूछ सकते हैं जो मैं बता रहा हूं, चलो तो ये मैं पूरा रिमूव कर रहा हूं, ये इसमें से कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, You don't have to copy anything. Super useless. Nobody cares. वैसे देखो final crux अगर तुम्हें समझ आ गया तो ये क्या हुआ? Delete का option दे। चलो बस ये है कि माइनस वाला साइन उठा के रख लो दैट्स इट। तो अपन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको, तो ये भी बस एक बार लिख लो, acute obtuse bisector. तो अगर इसका प्रूफ चाहिए तो मैं बता सकता हूं, बट पहले से आई एम वार्निंग यू, इट्स वेरी लेंथी, 10 मिनट से ज्यादा इसके प्रूफ में समझाने में लगेंगे और पॉइंटलेस है,
तो अगर चाहिए तो बता सकता हूँ, बट आई वुड सजेस्ट कि जस्ट रट लो यार। अक्यूट ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर का मतलब समझ आया किसी को? दो लाइंस हैं, ऑफ कोर्स टू लाइंस आर गिवन, अक्यूट एंगल का बाइसेक्टर, हां L1 एंड L2 इक्वल्स टू 0, तो ऑफ कोर्स इफ टू लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तो एक अक्यूट और एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा उनके बीच में। तो अब इस बार किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर रहा है ये, वो बोलना चाह रही कि भैया अक्यूट वाला कौन सा बाइसेक्टर है, अक्यूट वाला कौन सा बाइसेक्टर है, ऑलराइट, और ऑब्ट्यूज वाला कौन सा बाइसेक्टर है, मतलब ये प्लस ये माइनस वाली इक्वेशन है या फिर ये माइनस ये प्लस वाली इक्वेशन, आर यू फॉलोइंग दिस? तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों बहुत सिंपल सा एक ट्रिक बना के रखा हुआ है, ऑलराइट। तो वो ट्रिक क्या, मैं समझा देता हूं, चीज करना है ऑलमोस्ट द सेम बट थोड़ा सा डिफरेंस है। नहीं, सेम नहीं है, इस बार अक्यूट ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर पूछा है तो हमें पता पड़ना पड़ेगा थोड़ा सा कि कौन सा अक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है। तो उसके लिए ट्रिक क्या होती है बच्चों, ट्रिक ही बता देता हूं यार। ट्रिक इज फर्स्ट ऑफ ऑल मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव इन लाइंस L1 एंड L2, ये जरूरी है, ठीक है। इफ आई वर एक्सप्लेनिंग द प्रूफ देन आई वुड हैव टू एक्सप्लेन कि ये क्यों हो रहा है, बट फिलहाल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो मैं C1 एंड C2 पॉजिटिव बनाना जरूरी है बच्चों, C1 C2 पॉजिटिव, व्हाट डू मीन बाय C1 C2 पॉजिटिव? लेट्स से इफ अ लाइन इज गिवन दिस, तो इसका C1 एक्चुअली में क्या है फिलहाल? नेगेटिव, नेगेटिव। तो व्हाट डू आई मीन बाय मेकिंग इट पॉजिटिव? माइनस 1 से मल्टीप्लाई, माइनस x माइनस 1 प्लस, तो इसको अब तुम L1 लोगे, माइनस 1 माइनस x माइनस y प्लस 7, दिस इज सपोज टू बी योर L1 नाउ, नॉट दिस, चलेगा? तो C1 C2 पॉजिटिव कर लो, उसके बाद A1 A2 प्लस B1 B2 ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इवेल्युएट करो, समझ आ रहा है? ये तो बहुत इजीली इवेल्युएट कर सकते हो, A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है। तो मतलब दो लाइन जो भी गिवन होगी, जैसे L2 ऐसा गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आई जस्ट इंश्योर्ड कि C1 एंड C2 पॉजिटिव है क्या? हाँ है। उसके बाद A1 A2 प्लस B1 B2, तो ऐसे निकाल लो A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है, इवेल्युएट कर लो। तो दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है बच्चों, A1 A2 प्लस B1 B2 या तो पॉजिटिव होगा या फिर A1 A2 प्लस B1 B2 बच्चों नेगेटिव होगा, ऑलराइट। दो ही केसेस बन सकते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव या फिर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो देखो डायरेक्टली लिख देता हूं, नेगेटिव इक्वेशन एंड पॉजिटिव वाला इक्वेशन, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 बाइसेक्टर है तो नेगेटिव वाला इक्वेशन इस केस में क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव वाला रिप्रेजेंट्स द अक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड पॉजिटिव वाला इन दैट केस रिप्रेजेंट्स द ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। एंड अगर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आ रहा है तो ये ऑब्ट्यूज बन जाता है और ये अक्यूट बाइसेक्टर बन जाता है, दैट्स इट। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट एंगल बाइसेक्टर्स, नोबडी केयर्स, नोबडी आस्क्स एनीमोर। तो मैं एक एग्जांपल भी लिख देता हूं यहीं पे साइड में, बट दिस इज इट, दिस इज गुड इनफ फॉर ट्रिक। और बुकलेट में भी यू कैन सी कि इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं, बस ये थ्योरी एग्जिस्ट करता है तो मैंने बता दिया, कोई नहीं पूछा बच्चों, 15-20 साल हो गए, मैंने एक बार भी किसी को कुछ भी पूछते हुए नहीं देखा, तो ये फालतू ही लगता है मुझे, बट बता देता हूँ हमेशा मैं। एग्जाम्पल मतलब क्या था, सबसे पहले ये ले रहे थे अपन L1, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, तो L1 मतलब इतना पोर्शन, L2 इज लेट्स से 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो राइट नाउ यू चेक C1 एंड C2 आर पॉजिटिव, यस दे आर, देन A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालो, तो A1 A2 क्या बन रहा है माइनस 3, B1 B2 क्या बन रहा है प्लस 4, तो A1 A2 प्लस B1 B2 इज 1 एक्चुअली, व्हिच इज पॉजिटिव। जैसे ही पता पड़ा A1 A2 प्लस B1 B2 इज पॉजिटिव, देन अक्यूट कौन सा वाला बाइसेक्टर होगा? अगर ये पॉजिटिव है तो अक्यूट बाइसेक्टर कौन सा होगा बच्चों? नेगेटिव इक्वेशन, हाँ, दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस। आई होप यू आर टोटली कंफर्टेबल विद दिस थिंग, आइडिया बस कंफर्टेबल कर लो, बाकी प्रूफ ऑफ जानी दो यार। एंड ऑप्टिव वाला कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 7 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू प्लस 3x minus 4y plus 1 upon 5. Alright? These two things. That's it. बस. तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, और कोई कुछ नहीं पूछता इस पे, नोबडी केयर्स। ये जो मैंने लिखा ये कोई नहीं पूछता है,
तो इसलिए जो सजेशन है इसको कॉपी कर लो, काफी है। ठीक है सर, अगर हम C1 C2 पॉजिटिव नहीं करेंगे तो उल्टा आंसर आएगा ना, मतलब आ सकता है उल्टा। ओके सर, आ सकता है उल्टा। अब वैसी वाली बात है ना, बाई डिफॉल्ट अगर C1 C2 पॉजिटिव, अगर दोनों दोनों नेगेटिव होते तो भी यही बन जाता। अगर तुम इसको -7 और -1 करोगे तो भी A1A2 प्लस B1B2 पॉजिटिव ही आएगा। तो अपन एक चीज पे स्टिक कर रहे हैं कि C1 C2 पॉजिटिव के बाद जो भी करना है वही कर लो, बस खत्म। ठीक है तो दिस इज एक्यूट एंगल पर क्वेश्चंस नहीं आते क्या? नहीं 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 आते, नहीं पूछते सब। क्यों सर? मतलब इट्स लाइक सबको ये ऑलरेडी पता है, मतलब एवरीबॉडी नोस अबाउट दिस, तो दे आर लाइक कि अब ये फार्मूला बेस्ड है तो अब इस पे क्या ही पूछूं। क्वेश्चन पूछा भी तो उसमें स्पेसिफाई कर देगा कि एक्यूट का फाइंड करना है ऑब्वियस। बिल्कुल, मतलब हाउ एल्स विल यू टेल देम कि कौन सा बाइसेक्टर पूछ रहे हो। यस, तो इसको कॉपी कर लो। हाँ सर, कैसे एक्यूट एंगल पे पॉइंट रहेगा तो हम पिछले मेथड से कर सकते हैं कंटेनिंग एंगल। हाँ बट एक्यूट एंगल पे पॉइंट तुम्हें बताएगा कौन? नहीं क्वेश्चन नहीं, तो फिर ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बोल दिया तो ठीक है। बट यूजुअली तुम्हें ये समझ आ रहा है, ये पूरे सिनेरियो में मैंने डायग्राम नहीं बनाया, विदाउट डायग्राम आई हैड टू डू दिस। कोई तुम्हें ऐसा डेटा भी दे सकता है कि डायग्राम बनाने में दिमाग खराब हो रहा है, मतलब वेरी डर्टी डेटा, तो विदाउट एक्चुअली ड्रॉइंग डायग्राम डायरेक्टली मैथमेटिकली हाउ टू डू वो बताया मैंने एक तरीके से। ठीक है yes. चलो तो इसको कॉपी कर लो। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ बच्चों और क्वेश्चंस का, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 4-5 क्वेश्चंस और करा सकता हूँ, अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। देन उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो एक क्वेश्चन तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा एकदम खुद से सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या तो बहुत जल्दी आ जाता है या फिर ऐसा होता है कि एक साल लगता है इसको करने में। ठीक है, तो आई वांट यू गाइस टू गिव इट अ ट्राई। उसके बाद मैं थोड़े से मिसेलिनियस सम दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद थोड़े से और मिसेलिनियस सम दे रहा हूँ मैं। एक काम करो, सबसे पहले क्वेश्चन 72, मतलब 2A एक्सरसाइज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, 2A का 72 मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करें अभी। ओके, राइट नाउ यू हैव टू ट्राई। उसके बाद एक सेकंड रखो, और कौन सा देना था, एक ये वाला भी करवाता हूं। फिर 2A का 21, ये वाला थोड़ा अलग टाइप का है, 21 डिफरेंट है, बट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 21 पे थोड़ा सा बेस्ड है 79। नाउ 79 इज अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन। ओके, उसके बाद
फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा सम और करा रहा हूँ, एक्सरसाइज थ्री का क्वेश्चन 62। चलो ये ट्राई करना है अपन को चार सम्स, ठीक है, और इसी ऑर्डर में ट्राई करो। सबसे पहले 2a का 72 ट्राई करो, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट वी जस्ट स्टडीड, थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ सोच के बताओ। ये वाला लाइन ऐसा गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। थोड़ा सा इसको प्लीज डेटा ऑब्जर्व करना कि दिया क्या है वो ऑब्जर्व करना जरूरी है। एक ये लाइन है, मेक्स एन एंगल पाई बाय फोर विद दिस, ठीक है। एक लाइन ये गिवन है, मैंने हमेशा जो सिखा है वो रूल भूलना मत, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आता है एकदम से क्या अप्लाई करना है। मतलब ये तीनों लाइंस पहली बात तो कॉन्करेंट है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री। सोचो प्लीज डेटा ऑब्जर्व करना पहले, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके एक मिनट आ रहा हूं मैं, ट्राई करो। थोड़ा सा डायग्राम बना और कोई बताएगा डेटा कैसा गिवन है, क्या दे रखा है। सबसे पहले तुम्हें नोटिस होना चाहिए था, व्हाट शुड यू हैव नोटिस, परपेंडिकुलर एक्साइन, हां वो दो लाइंस परपेंडिकुलर है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड ऑब्जर्व इज जो ब्लैक में जो लाइंस लिखी हुई है दे आर परपेंडिकुलर। तो पहले ये बना देता हूं, लेट्स से दीस टू लाइंस आर ऑलरेडी परपेंडिकुलर एंड इट इज आल्सो गिवन दैट दीस थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट है तो तीसरा लाइन ax + by + p वो जो लाइन है वो इजी से पास हो रहा है, बट इट इज ऑल्सो, लेट्स से मैं इसको L1 बोल देता हूँ, इसको L2 बोल देता हूँ। तो ये मान लो L1 है और ये L2 है, तो AX plus BY plus P is passing through this point and is also making an angle of 45 degree with L1. Now how does it help us? Sir, no. Angle bisector. It is forming an angle bisector. Okay, if you realize that then see if you can use the theory, matlab not based on today's theory, today ka theory to bahut specific tha, but if you realize that then socho sir normal point, normal point nahi hai, coordinate system nahi hai, this is not coordinate system, I'm sorry if I made the diagram like this, these are just two random perpendicular lines, these are not x and y axis, ye dono lines kuch bhi ho sakti hai. Ye tumhe chamak gaya ki this line is the तो परपेंडिकुलर कैसे ऊपर से पता चला? इसका स्लोप बताओ, L1 का स्लोप क्या तुम्हारे हिसाब से? सो माइनस कॉस माइनस टैन अल्फा। नहीं नहीं क्या बोल रहा है, माइनस कॉस बाय साइन, भूल गया ना दुष्ट, माइनस ए बाय बी, माइनस कॉट अल्फा। हां व्हाट इज द स्लोप ऑफ L2? माइनस टैन अल्फा। नो माइनस नहीं, माइनस साइन बाय माइनस कॉस, टैन अल्फा टैन। हां तो माइनस कॉट और टैन इनका प्रोडक्ट क्या है? बस सिंपल, इसलिए मैंने बोला हमेशा जैसे ही लाइंस दें सबसे पहले नोटिस करो। अब बताओ कैसे यूज करोगे डेटा, इसको दो मिनट देता हूं मैं, आई एम गिविंग यू टू मिनट्स।
बोलो क्या यूज करेंगे. देखो L1 L2 तो पता ही है, कितने बच्चों को समझ रहे कि यार इसके एंगल बाइसेक्टर तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना. तो कितने बच्चों को समझ रहे कि इसका एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, कोई सा भी एक ले लो, यू डोंट हैव टू टेक बोथ आइदर प्लस या माइनस. आर यू फॉलोइंग दैट. किसका एंगल बाइसेक्टर तो ऐसे फॉर्मेट में होगा भैया, दिस माइनस पी अपॉन वन, है ना, इक्वल्स टू प्लस माइनस दिस माइनस सॉरी दिस अपॉन वन. बस इसके एंगल बाइसेक्टर में ये इक्वेशन बनेगा. दैट्स इट. इसको कोई सा भी एक ले लो, टेक पॉजिटिव वाला, द आंसर डजंट चेंज. टेक पॉजिटिव वाला इक्वेशन तो रीअरेंज करके क्या बन जाएगा बच्चों, लेट्स आई टुक दिस इक्वल्स टू प्लस दिस, द एक्स का कोफिशिएंट हैज बिकम दिस, वाई का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, और बाइसेक्टर, द बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइंस मस्ट लुक लाइक दिस, बट इट इज ऑलरेडी गिवन. समझ आया, द एंगल बाइसेक्टर इज ऑलरेडी गिवन, इट हैज बीन टोल्ड टू यू कि एंगल बाइसेक्टर ये लाइन है. तो अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों को क्या करो. सो हाँ बोलो, पहले तो कंपेयर करेंगे ना. या सिंपल, टू लाइंस याद आ रहा है, टू लाइंस आर सेम A1X, मैंने थर्ड फोर्थ लेक्चर में बता दिया था. इफ टू लाइंस रिप्रेजेंट द टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम लाइन, तो कंपेयर करते हैं A1/A2 इज B1/B2 C1/C2. यस, बस तो हो गया. देखो इतनी जल्दी आ गया, अदरवाइज ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होता. इफ यू हैड डन बाय एनी अदर मेथड दिस वुड हैव बीन वेरी लेंथी. इफ यू कंपेयर व्हाट यू गेट, cos अल्फा माइनस sin अल्फा होल डिवाइडेड बाय A must also be equals to sin alpha plus cos alpha whole divided by b must also be minus p by p, kitna hota hai minus 1. All right, to usne pucha kya bachcho, ek second mein khud hi bhul gaya, usne pucha tha a square plus b square, to a ki value kya mil rahi hai yahan se bachcho, you can see that a is coming out to be sin alpha minus cos alpha, b is coming out to be minus sin alpha minus cos alpha. If you square and add, a square plus b square is cos alpha minus sin alpha. नहीं नहीं, एक माइनस साइन ये वाला एडजस्ट हो जाएगा ना. अच्छा, एनीवे डजंट मैटर, यार स्क्वायर एंड ऐड कर रहा हूं, मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है. 2 आंसर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 sin cos, और ये वाला बन जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin cos. तो 1 अब दिख गया यार, मतलब ठीक है, अब क्या एक्सप्लेन करूं, इज इट ओके. सो हम डायरेक्टली इसे कंपेयर नहीं कर सकते कि a इज cos अल्फा माइनस sin अल्फा. नहीं, कंपैरिजन मतलब इक्वेट करना नहीं होता, कंपैरिजन मतलब रेशियोज इक्वेट करना होता है. इफ यू रिकॉल वैसे भी देखो ना, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना, माइनस पी इक्वल टू पी बना दोगे. और वैसे भी कंपेयर में मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कोफिशिएंट एग्जैक्ट इक्वल हो. जैसे कोई देखो एक्स प्लस वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, सेवन बाई टू, बट कोई कोई इसको ऐसे प्रेफर करते हैं ना लिखना, टू एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो. तो आर दीज टू लाइन्स डिफरेंट? नो, लाइन्स आर सेम बट इक्वेशंस आर डिफरेंट लुकिंग. रेशियो इक्वेट करो, 1/2, 1/2, ये भी 1/2 ही. तुम डायरेक्टली कोफिशिएंट इक्वेट नहीं कर सकते, 2 इज नॉट 1. ऑलराइट, यस. तो ये हो गया क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. किसी को डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क. इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क. सो दोनों का सी इक्वल कर देते तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते थे. हाँ, तो फिर रेशियो 1:1 हो जाता, दैट वुड हैव बीन लाइक इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स. यस, सो वो सेकंड वाले पे -1 मल्टीप्लाई करके भी कंपेयर कर सकते थे ना. कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो अगर यहां पे माइनस साइन लिया होता, इफ आई हैड टेकन माइनस साइन हियर, तो खाली डिफरेंस क्या आता, ये वाला प्लस हो जाता और ये वाला माइनस हो जाता, बट इवेंचुअली द रिजल्ट वुड हैव बीन द सेम, फाइनल रिजल्ट वुड हैव बीन द सेम. यस सर. ठीक है, कॉपी. हाँ हाँ, एक सेकेंड, ये कॉपी कर लो, फिर थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लो. इसके बाद 21 अपन साथ में करते हैं, मतलब आई विल मेक यू एक्सप्लोर द आइडिया. 21 के बाद फिर 79 करते हैं. 79 इज अ वेरी ब्यूटीफुल सम.
सर अभी स्ट्रेट लाइंस की थ्योरी कितनी बाकी है कि खत्म हो गया? अपना स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया है, इसके बाद अपन को पेयर ऑफ लाइन पढ़ना है। आई टीच यू, आई विल इंट्रोड्यूस एटलीस्ट पेयर ऑफ लाइंस अ लिटिल बिट टुडे। स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट खत्म हो गया, पेयर ऑफ लाइन करके एक टॉपिक है, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, हार्डली एक डेढ़ लेक्चर, डेढ़ लेक्चर वगैरह। सो मेंस का है क्या? यार एडवांस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक्चुअली। इसके बाद आपको 2A का 21 ट्राई करना है, 2A का 21 ट्राई करो। फर्स्ट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, फर्स्ट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। टू वे 21 ट्राई करो। सर उसमें दोनों केसेस का यूनियन लेना है। दोनों केसेस का यूनियन मतलब? यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन सर। इंटरसेक्शन लेके वो रीजन ओपन करना होगा। एक सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना है, नॉट बाय अलजेब्रा। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको इंटरप्रेट करना है। सर वो रीजन ऑब्टेन करना पड़ेगा ना? हाँ, बट वो कौन सा होगा? मैंने एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। सबसे पहले कौन बता रहा है? डू यू रिमेम्बर दिस? यस। ये क्या होता है? क्या होता है ये? नो। हाँ, इफ यू रिकॉल आई आस्क्ड यू टू रिमेम्बर दिस वन। दिस इज अ सर्कल विद सेंटर। एक काम करो, मैंने लोकस की डेफिनेशंस बताई थी, उसमें ऑब्जर्व करो ना। यस सर, आपने दिया था। हाँ सर, दिया था। हाँ, तो दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 0, 0 एंड रेडियस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ये अपन थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, डोंट वरी टू मच, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो सर्कल ही है, और सर्कल तो अपन प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट बेसिक आइडिया यू शुड हैव। ऑलराइट, तो इसका डायग्राम तो तुम्हें पता है। अच्छा, देन कोई गेस वर्क कर सकता है? जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ, लेट्स सी तुम लोग मतलब इसको इंटरप्रेट कर सकते हो क्या? तो फिर इसका क्या मतलब हो? इसका क्या मतलब होगा? रेडियस 6 हैविंग लेस देन 6 रेडियस, इक्वल टू लेस देन 6 रेडियस, रीजन ऑफ सर्कल। हाँ, टेक्निकली इट इज द रीजन इनसाइड सर्कल। यस अनिका, वेरी गुड। पूरा सर्कल मतलब वी एक्चुअली प्रिफर कॉलिंग इट एज द डिस्क। लेस देन इक्वल्स टू 36 मतलब इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 36। तो 0 to 36 पूरा ले लो, तो मतलब एक सर्कल है और उसके अंदर का पूरा रीजन, समझ रहे हो? एवरीथिंग। यस, लेस देन इक्वल्स टू 36, तो एवरीथिंग, तो मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसा। हाँ, मतलब डिस्क का रेडियस इज 6। ये सर्कल नहीं है, पूरा रीजन है ऐसा। अब क्वेश्चन तुम लोग सोच के बताओ। नाउ आई वांट यू गाइस टू इमेजिन लाइक क्या करना है। ये वाला तो तुम्हें पता है, ये तो लाइन है सिंपल। अब उसने पूछा है इसमें और इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन है। चलो आई विल गिव यू 2 to 3 minutes टू इमेजिन। इसको बोल देते हैं डिस्क, दिस इज अ डिस्क। कितने पॉइंट्स कॉमन, इमेजिन करके बताओ। शुभम इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा सोचो। वैसे आंसर पीछे से कॉपी कर सकते हो, देख के सकते हो। अच्छा, कैन यू गिव मी रीजन शुभम व्हाई दिस इज द केस? और जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है, गिव मी अ प्रॉपर रीजनिंग बिहाइंड दैट, कि लाइक क्यों ऐसा। अब सीधी सी बातें बच्चों, हमें बस ये करना है, हमें पता करना है कि ये लाइन रिलेटिवली कहां से पास हो रहा है ना। टू मिनट ट्राई कर लो, बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हो, और कोई बड़ी बात नहीं है। Are you actually going to plot the line? No. No, sir. बिना प्लॉट किए बताओगे कि कैसे? देखो, अच्छा, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस थिंग। कोई अगर इनफाइनाइट, कुछ दो तीन बच्चों ने मैसेज पे बोला इनफाइनाइट, ये लाइन और ये डिस्क में इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है, वॉट मेक्स इनफाइनाइट एज योर आंसर, मतलब इनफाइनाइट क्यों हो रहा होगा,
क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। अच्छा मुझे तो एक बात बताओ पहले, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है आंसर के नाम पे, क्या क्या आ सकता है? सर बी तो बिल्कुल, टू तो नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, ए सी या डी आएगा। वेरी गुड, नल कब आएगा, सॉरी नील कब आएगा? जब वो पास ही नहीं करेगा, कब बाहर से, है ना। ए कब आएगा? ए एंजेंट, एंजेंट, हाँ वेरी गुड। और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जब वो कॉर्ड पास करेगा थ्रू द सर्कल। तो कैन यू आइडेंटिफाई, ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई इज वेदर द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल, टचिंग द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। इनफाइनाइट होगा जब इसको कट करके जाएगा, ऐसे सोचो ना, ये लाइन अगर इसको कट कर गया तो सर्कल का वो सर्कल नहीं है, वो डिस्क है एक्चुअली में। तो लाइन पे और डिस्क पे कितने पॉइंट कॉमन आ गए, ये सारे, है ना। तो इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू वन थिंग ओनली, कि वेदर दिस लाइन इज कटिंग, टचिंग और आउटसाइड द सर्कल। बताओ करके, सोच के बताओ कैसे, व्हाट इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सोचो x and y coordinates 0, 6 and 6, 0 put करके देख सकते हैं कि सर्कल के बाहर है कि अंदर है। Okay, you can try, but अभी तो देखो, जैसे इसका x intercept आप देख सकते हैं ना सीधा। हाँ, intercept देख सकते हैं, but वो confusing ना हो जाए। जैसे इसका x intercept आया 25/3, which is even greater than 8. इसका y intercept भी आ रहा है 6 से बड़ा, y intercept is -25/4. तो थोड़ा सा confusion हो सकता है ना कि यार ये line ऐसी जाएगी कि ऐसी जाएगी, मतलब समझ रहे हो? Yes. एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है। अगर दोनों x और y इंटरसेप्ट दोनों अगर 6 से कम होते, डू अंडरस्टैंड, ये वाला पॉइंट 6,0 होगा, ये 0,-6 होगा, रेडियस 6 है ना उसका। तो ये थोड़ा सा बाहर तो है, बट आई स्टिल कांट बी श्योर कि ऐसा जा रहा है कि ऐसा जा रहा है। एनीथिंग एल्स, समबडी जस्ट सेड इट, किसी थोड़ी बच्चे थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही, फिर हम 6 से कम आएगा तो इन, और 6 आएगा तो एक एक पॉइंट होगा। किसी को समझ आया उसकी, बच्चे की बात? He is right actually. Does it cut touch or is external to the circle? सबसे easiest तरीका क्या होगा? ये देख लो ना, अभी डायग्राम बनाता हूँ। क्या perpendicular distance चुके एक ही पॉइंट से मीट करता है ना, इसलिए वो यूज कर रहा है ना। नहीं anyway, मतलब geometrically also. नहीं मतलब वो सेंटर से कितना दूर आ रहा है उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं ना कि कितने। Exactly. बस कैन आई से इस केस में क्या हो रहा होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या क्या हो रहा होगा, इस केस में क्या हो रहा होगा, डिस्टेंस बड़ा आएगा। हाँ, तो जस्ट इफ यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई वेदर द लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ ये जो भी लाइन बन रही है ऐसे, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम क्या निकाल लो बच्चों? फ्रॉम ओरिजिन, सेंटर, व्हिच इज राइट नाउ ओरिजिन। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x की जगह 0, y की जगह 0 और ये 25 अपॉन रूट ओवर a² + b² मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 आया, व्हिच इज टेक्निकली लेस देन रेडियस और नॉट। यस सर, यस सर, है ना, यस सर, यस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से छोटा है तो सीधे क्या कंक्लूजन कर सकते हो? सर अंदर है, कॉर्ड है, लाइन कट्स द सर्कल, और लाइन अगर सर्कल को कट करता है तो कितने कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे, सर्कल नहीं सॉरी डिस्क, कितने कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे? ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन हो गए। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। आंसर, अगर ये क्वेश्चन में अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू की जगह सिर्फ इक्वल टू होता तो फिर हम सर्कल कंसीडर करते ना, तो फिर हमारा आंसर 2 होता। हां, अगर इंटरसेक्टिंग होता फिर दो पॉइंट आते, 2 पॉइंट्स या फिर 1 पॉइंट या फिर 0 पॉइंट वुड हैव बीन द आंसर। हां, करेक्ट, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, अब सर, हां बोलो, इसका सेंटर ओरिजिन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? यार बाय एनी चांस यू रिकॉल दिस, मैंने सर्कल का इक्वेशन ही निकालना सिखाया था कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर x1 y1 है वो सॉर्ट ऑफ ऐसा दिखता है, बाय एनी चांस यू रिकॉल दैट? यस सर, यस सर। हां, तो x1 y1 को अगर मैं 0 0 रख देता हूं तो x² + y² = r² बचेगा। तो एनी दिस इक्वेशन यू शुड एनीवे रिमेंबर, ये इक्वेशन हम पढ़ने वाले भी हैं डिटेल में, बट अभी भी याद रख लो, इसका स्ट्रेट लाइन में भी काम आ जाता है।
साइन पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन है यस यस तो वो अगर लेस देन रेडियस आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो इंटरसेक्टिंग होगा तो वो तुम सिनेरियो समझ सकते हो कि एक सर्कल और एक लाइन है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो बट इसमें वो पास थ्रू कर रहे हैं अब वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया डायग्राम एक्चुअली तो यहाँ पे ऐसे कट करता हुआ जा रहा होगा ये तो ऐसे ही बना दिया मैंने ठीक है अब लेट्स सी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कितने बच्चों को स्ट्राइक करता है इट्स अ सुपर ऑसम क्वेश्चन या तो बहुत हाँ बोलो तो 79 क्वेश्चन ना 79 यस सुपर डुपर ऑसम क्वेश्चन है ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेट्स सी तीन पॉइंट्स गिवन है 79th क्वेश्चन तीन पॉइंट्स गिवन है ए इज लेट्स से 3.4 बी इज लेट्स से 5 cos θ, 5 sin θ एंड सी इज लेट्स से 5 sin θ, -5 cos θ ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा मैं मतलब अभी तुम सोचो आराम से आई विल गिव यू लाइक 6-7 मिनट्स ऑन योर ओन 6-7 मिनट्स जो सोच सकते हो जो लेके आ सकते हो लेके आओ उसके बाद फिर अपन एक्सप्लोर करते हैं कि इसको कैसे सोच सकते थे क्या कर सकते थे क्या अच्छा सोच सकते थे पहले तुमको मैंने जो सिखाया उसके बेसिस पर सोच लो कि दीस थ्री पॉइंट्स आर गिवन थीटा इज सपोजिटली वेरिएबल थीटा इज वेरिएबल दैट मेक्स बी एंड सी वेरिएबल पॉइंट्स तो एबीसी जो ट्राइंगल है वो सॉर्ट ऑफ वेरिएबल है तो उसका ऑर्थो सेंटर भी वेरिएबल होगा तो उसका ऑर्थो सेंटर जो भी वेरिएबल होगा उसका लोकस निकाल के बताओ ऑर्थो सेंटर का लोकस पूछा तो जो समझ आ रहा है फिलहाल करो बट एक्चुअली ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है एबीसी इज द ट्राइंगल ओबी एंड ओसी आर परपेंडिकुलर बट ट्राइंगल एबीसी है फैमिली ऑफ लाइंस नहीं यार हर्ष फैमिली ऑफ लाइंस की जरूरत क्यों है इस बार तो वर्टाइसेस गिवन है हर्ष फैमिली ऑफ लाइंस जब यूज करते थे जब साइड्स की इक्वेशन गिवन हो साइड्स की इक्वेशन गिवन हो तो ऑल्टीट्यूड निकालना अच्छा होता था फैमिली ऑफ लाइन यूज करके बट इस बार तो वर्टाइसेस ही गिवन है तो वी गो बैक टू द ओरिजिनल मोस्ट मेथड की वर्टाइसेस गिवन है तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालोगे ठीक है सोच के बताओ और आराम से पूरा भेजा दौड़ा लो अपने नोट्स में इधर उधर छान लो कि क्या करा है कैसे करा है
बोलो कुछ आइडियाज लग रहे हैं? ओके सानिका, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, यू आर इन द राइट ट्रैक. इसको पिछले वाले क्वेश्चन से नॉट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन पिछला वाला क्वेश्चन, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक. थोड़ा सा इसको सो हाँ सो वी हैव टू यूज द रिलेशन बिटवीन द सेंटर्स एच जी बाय दैट इज 2 इज टू 1 दैट वन एक्चुअली हाँ बट तो इसका ओरिजिन इज द सर्कमसेंटर. हाँ क्या बात है यार, बहुत बहुत ही बढ़िया. द इमेज ऑफ द सर्कमसेंटर. एक्चुअली हाँ कितने बच्चों को समझा दैट लाइक कन्वेंशनल मेथड इज गोइंग टू किल यू लिटरली. मतलब तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए 3.4, बी 5 cos 5 वाला, और सी है. उसके बाद तुम इसकी इक्वेशन निकालोगे. इसकी इक्वेशन ठीक है चलो एक बार पुश करके निकाल भी लोगे, फिर इसकी इक्वेशन निकालोगे चलो ठीक है वो भी पुश करके निकाल लोगे, फिर उनको सॉल्व करोगे तो इतने में तो मौत हो जाएगी. डेट नहीं कर पाएंगे ऐसे. तो देयर हैज टू बी समथिंग बेटर देन दिस. द कन्वेंशनल मेथड ऑफ फाइंडिंग द ऑर्थो सेंटर एंड देन फलाना फलाना करना विल बिकम वेरी लेंदी, वेरी वेरी लेंदी. तो समटाइम्स वी जस्ट नीड टू हैव अ कीन ऑब्जर्वेशन. As somebody already pointed out, Sainika ने बोला और एक और बच्चे ने भी बोला, if you observe the point, ये points थोड़े special से हैं. जल्दी से बताओ इन points में क्या special है? ABC में कुछ special है, जल्दी बताओ क्या है? ABC थोड़े से देखो ना, इनको observe करो ना, 3.4, फिर 5 cos 5 sin, फिर 5 sin 5 cos, mirror image नहीं यार, not really mirror image. So B is image of. No, it's actually not image. How is B image? यहाँ पे -5 cos हो गया ना? पॉइंट्स का अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे उसका रूट लेंगे तो 5. हां हां कितने बच्चों को दिख रहा है? OA ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? हां ओरिजिन से इसका डिस्टेंस सबका डिस्टेंस 5 है. वेरी गुड. कितने बच्चों को दिख रहा है? OA वो भी OC तीनों 5 है. अगर आप ये नोटिस करते हैं कि ABC तीनों ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है, मतलब 3 पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन. If these three points are equidistant from origin, तो मैं क्या कर सकता हूँ? If these three points are equidistant from origin, मैं क्या बना सकता हूँ? बोलो. Can I say all three of them are lying on a circle? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये तो इडली बन गई है. So origin is the circumcenter. Yes. Sorry, I'll try to make a decent diagram. But मान लो यार इसको circle. आलू बड़े जैसा दिख रहा है. चला नहीं. हाँ तो जैसे तीन पॉइंट्स हैं, ए बी कहीं होगा, सी कहीं होगा, वी डोंट रियली केयर, होगा हमें नहीं पता. ऑलराइट तो ए बी सी ऐसा एक ट्राइंगल बन जाएगा सॉर्ट ऑफ. कहने से कि ये तीन पॉइंट्स अगर इक्विडिस्टेंट हैं तो एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं. देन कहने से कि ए बी एंड सी लाई ऑन अ सर्कल. और कैसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बच्चों? 0 0 और रेडियस क्या है? 5 5. क्या हुआ? क्या वापस बोलो क्या हुआ? सो वो सर्कल का इक्वेशन. हाँ सर्कल का एक सॉर्ट ऑफ. हाँ बट अब सर्कल की इक्वेशन की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीडेड टू आइडेंटिफाई दिस. ध्यान से देखो तो जो ट्राइंगल एबीसी है, कहना है से ये वाला सर्कल इस ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सर्कल है ना? यस. ट्राइंगल एबीसी है सर्कम सेंटर. बताओ ट्राइंगल एबीसी का मतलब क्या हो गया फिर? है ना? यस. बट उसने सर्कम सेंटर थोड़ी बोला था, उसने क्या बोला था बच्चों? ऑर्थो सेंटर. तो किसी का कुछ हाँ कैसे निकालेंगे बताओ? सो फॉर्मूला से x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय. नहीं नहीं ऑर्थो सेंटर थोड़ी होता था, मैं बोल रहा हूँ ऑर्थो सेंटर पे कैसे जाओगे? सर मतलब सारे सेंटर्स निकाल के ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को अंदर रेशियो दे रहा है. हां कितने बच्चों को ये वर्ड याद आ रहा है? एच जी बाय जी इज इक्वल टू 1. योलो 2:1 सर. एग्जैक्टली. तो देखो सेंट्रोइड में भी मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं है. व्हाई? क्योंकि सेंट्रोइड तो सीधे क्या होता है? x1 + x2 + x3 / 3. तो 3 + 5 cos थीटा + 5 sin थीटा होल / 3 कॉमा व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड? 4 5 -5. तो 4 - 5 sin theta, ओए हट, सॉरी -5 cos theta whole divided by 3.
ऑलराइट, ये जी का कोऑर्डिनेट है, एस का कोऑर्डिनेट भी पता है। ऑयलर क्या सजेस्ट करता है बच्चों, इफ यू रिकॉल ऑयलर क्या सजेस्ट करता है, 1:2, है ना? यस सर। तो ऐसे देखो सॉर्ट ऑफ सर्कम सेंटर और ओरिजिन टाइप है बच्चों, सर्कम सेंटर इज लाइक ओरिजिन ओनली। इसको मैं जी ही रहने देता हूँ और इसको मैं एच ही रहने देता हूँ। रुको, ऐसे मैं जी ही ले रहा हूँ और एच ही ले रहा हूँ। तो कितने बच्चों को चलेगा कि जी सॉर्ट ऑफ क्या होना चाहिए, 1:H + 2:S / 1+2, ऐसा बनना चाहिए ना, जल्दी बोलो। यस यस। तो एस कितना है बच्चों, एस तो ओरिजिन है, तो एच हमेशा किसके बराबर बनेगा, 3G। मतलब अगर चाहिए तो मैं एक एक करके लिख के बता देता हूं, बट आई होप यू अंडरस्टूड कि जी का जो कोऑर्डिनेट आया है उसका 3 times एच का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। प्रॉपरली लिख के बताऊं कि चल गया, समझ गया, वही बात है। दो बार एक्स और वाई में करने से बेटर है मैंने ऐसे लिख के कर दिया यहाँ पे। इज दिस अंडरस्टूड? यस। वही करोगे, 1 into इसका एक्स कोऑर्डिनेट, 2 into 0 / 1+2। तो g का कोऑर्डिनेट वो इक्वल्स टू समथिंग बाय 3 आएगा, तो 3 कैंसिल होके वही बन जाएगा एक तरीके से। तो अगर तुम्हें g पता है तो h भी पता है बाय ऑयलर लाइन। बट क्या निकालना है बच्चों अपन को, h का लोकस। तो जिसका लोकस निकालना रहता है बच्चों उसको हमेशा क्या लेते हैं अपन, h कॉमा k ना, याद आया? एच अपन ने अज्यूम करा लोकस निकालने के लिए एच कॉमा के, बट एच इज ऑलरेडी गिवन एज दिस। तो एच की वैल्यू क्या मिल गई, 3 + 5 cos θ + 5 sin θ। ये तुम्हारे स्मॉल एच होना चाहिए, स्मॉल के क्या होना चाहिए, वेरिएबल जो भी पॉइंट है उसको अपन ने ऐसे रख लिया, ठीक है। तो अब इसमें से एलिमिनेट क्या करना है बच्चों, वेरिएबल कौन है? सर हाँ सर, तो राइट साइड में क्या किया आपने, राइट सेक्शन फॉर्मूला देखो, एस जी एंड एच, इफ यू रिकॉल ऑयलर लाइन, एस जी एच, ऑयलर फॉर्मूला याद है? ऑयलर लाइन मैंने बताया था ज्योमेट्रिक सेंटर्स के टाइम कि जी डिवाइड्स एस एन एच इन द रेशियो 1:2। तो जी का टेक्निकली सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो 1 times एच का कोऑर्डिनेट, 2 times एस का कोऑर्डिनेट अपॉन 1+2 विल बी जी का कोऑर्डिनेट, है ना? बट इस बार एस के कोऑर्डिनेट 0, 0 ही है, तो मैंने एस को एक तरीके से 0 रख दिया। मतलब यू कैन डू द सेम थिंग फॉर एक्स एंड वाई सेपरेटली, बट जस्ट ऐसे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने ऐसे बोल दिया कि एस को 0 रख दो, तो जी एच बाई 3 होगा, तो एच का कोऑर्डिनेट विल बी टेक्निकली 3G। तो इफ एस इज 0, 0, एच के कोऑर्डिनेट्स 3 times जी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। इज दिस ओके? यस सर। हाँ, तो आफ्टर यूजिंग दैट वी हैव अराइव्ड हियर। इन दोनों में से एलिमिनेट किसको करना है बच्चों? सर sin थीटा cos थीटा। हाँ, थीटा एलिमिनेट करना है, तो एक काम करो, एलिमिनेशन कितना आसान है, देखो ऐड करो h प्लस के और ये 3 + 4, वो कितना बन रहा है जल्दी बताओ, h प्लस के माइनस 7 इज 10 साइन थीटा, है ना? Yes. और सब्ट्रैक करोगे तो क्या बन जाएगा, h माइनस के माइनस 3 + 4 = 1, वो क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक करने पे साइन कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक 10 cos थीटा बच रहा है। तो हो गया ना एलिमिनेट, क्या आंसर आ रहा है, स्क्वायर एंड ऐड, तो x प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 100, ठीक है। विच ऑप्शन डज इट मैच, आई डोंट नो कौन सा है, आई थिंक डी ऑप्शन, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एक्चुअली सीइंग द यूसेज ऑफ ऑयलर लाइन SGH, बट स्ट्रेट लाइन में कम, इसका आगे वाले टॉपिक्स में ज्यादा काम आएगा। बट ये ऐसा टॉपिक है कि लाइक इसके क्वेश्चन इसी के क्वेश्चन होते हैं, कि इसके क्वेश्चन इसी से होंगे नहीं तो बहुत लेंदी होंगे, तो दैट्स व्हाई आई हैड टू गिव यू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे कराना ही था। आई होप यू लर्न कि लाइक क्या क्या कर सकते थे, दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन। किसी को डाउट हो तो पूछो। एक काम करता हूँ, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, बट आई एम सॉरी वो इजी क्वेश्चन नहीं है बच्चों, मैं तुम्हें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे दिमाग ओपन होगा तुम लोगों का। तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं फॉर जस्ट ट्रायल पर्पस की देखते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, लेट्स सी कितने बच्चों को स्ट्राइक करता है। एक काम करो, मैंने इसके पहले नीचे का हाँ मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड, मैंने शायद ये दिया था एक्सरसाइज 3 का 62 ना, 62 को अभी स्किप कर सकते हो, अभी 66 करके बताओ, आफ्टर कॉपिंग दिस कैन यू ट्राई 66 सम,
इसको कॉपी कर लो, फिर उसके बाद 66 कर सकते हो, 66 लेट्स सी कितने बच्चों का आता है, टू का नहीं 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 एक्सरसाइज 3 का 66 सर, गुड पॉइंट का, अरे वो तो उसने डेफिनेशन में दिया हुआ है, और 2A का नहीं, एक्सरसाइज 3 का 66 करना है। अच्छा सर। हाँ, और वो जो गुड पॉइंट बोल रहा है उसने एक्सप्लेन भी करा है ना खुद से कि x comma y is a good point if x and y natural number। Yes sir। Okay। चल और नीचे कर देता हूँ, चल तब तक तुम 66 ट्राई करो, एक्सरसाइज 3 66, फिर मैं थोड़ा थ्योरी पढ़ा देता हूँ। और बच्चों आप लोगों ने बुकलेट सॉल्व करा है? अपन को डिस्कस करना था तो 1A 1B और 2A में जो भी पेंडिंग है अपन निपटा देते हैं। इन चैप्टर 3 यस व्हाई नॉट, इन चैप्टर 3 भी कर सकते हैं। इन 79 इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल देन वी कांट डू दिस। हमें देख ट्रायंगल इक्विलेटरल तो वैसी वाली बात हो गई, ये दोनों लाइक वेरिएबल पॉइंट्स हैं, ये दोनों वेरिएबल पॉइंट्स हैं, और एक्चुअली हमें इक्विलेटरल नहीं हो सकता ये वाला। एक्सप्लेन करूं कोई, देखो एक बच्चे ने एक पॉइंट रेज करा इस क्वेश्चन में कि सर अगर एबीसी इक्विलेटरल हो गया तो, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं होगा, आई कैन गारंटी यू। कोई बताएगा कैसे, ऑन व्हाट बेसिस एम आई क्लेमिंग दैट? वेरिएबल पॉइंट्स, वेरिएबल भी है बट और स्ट्रॉन्गर बोल सकता हूं मैं, आई कैन लाइक प्रॉपरली कमेंट कि यस इट इज नॉट पॉसिबल। रैशनल पॉइंट्स हैं सारे वर्टिसेस सर, क्यों साइनर कॉस पहली बात रैशनल जरूरी नहीं है सर, का सेंट्रोइड ऑक्सीडेंट सब डिफरेंट है, डिफरेंट है, चलो वो तो देख के समझ आ रहा है, बट दीज टू कैन बोथ बी जीरो साइमल्टेनियसली, ये जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट एक्चुअली देखो जस्टिफाई कर देता हूं कि क्यों नहीं हो रहा। ये देखो एक है 5 cos, 5 sin, तो ओबी का स्लोप क्या बन रहा है बच्चों, ओबी का स्लोप 0, 0 से कनेक्ट कर रहे हो, तो y2 - y1 / x2 - x1 tan थीटा ना, और C कोऑर्डिनेट क्या दिया था -5 sin, 5 cos, तो OC का स्लोप निकालो क्या बन रहा है, this -0 / this -0 -cot theta, तो कितने बच्चों समझ रहे कि OB एंड OC हमेशा परपेंडिकुलर है, मतलब समझे OB और OC हमेशा परपेंडिकुलर है, हां सर, ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर है, ये दोनों, ये 90 है, तो अगर बच्चों ये 90 है तो अब मुझे बताओ एबीसी इक्विलेटरल हो सकता है क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर किसी को याद हो तो ये वाला एक्चुअली एंगल कितना होता है? सो वो 45 हो जाएगा ना फिर? नहीं 120 होता है ना, ये वाला 120 होता है। नो आई मीन वो परपेंडिकुलर वाले केस में। हाँ अच्छा, ये वाला एंगल 45 हो जाएगा। ओ अच्छा हाँ, सीधी सी बात, ये जस्टिफाई कर सकते थे कि ये 90 हुआ तो ये 45 हो जाएगा। ओके यस सर, तो इसलिए वो इक्विलेटरल नहीं हो सकता। चलो एनीवे एक्सरसाइज 366 लेट्स सी कितने बच्चे रियलाइज करते हैं। थोड़ा सा उसने जो डेटा दिया हुआ उसको पहले एनालाइज करो अच्छे से। ये तो चमक गया ना, सर्कल रेडियस है एंड सेंटर ओरिजिन, ठीक है गुड। आगे सोचो ये क्या दे रखा है, y = x tan theta 1, ऐसे तीन रेज, रेज मतलब समझते हो रे,
नॉट अ लाइन, एक डायरेक्शन में बढ़ा दो बस, मतलब लाइन कैसा हो जाएगा ऐसा, बट रे कैसा हो जाएगा ऐसा, तो सोचो आगे क्या बोल रहा है वो। नो अमेर, दे आर नॉट टेंजेंट्स, वापस से ध्यान से देख, वॉट इज सो स्पेशल अबाउट, अगर इनको लाइन बोलता हूं मैं, रे नहीं बोलता, ये कैसी लाइन है बताओ, y equals to x tan theta 1, कैसी लाइन है ये, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस ज्योमेट्रिकली, कैसे लाइन्स हैं, बोलो कैसे लाइन्स हैं, कौन बता रहा है, passes through the origin and surface, yes these three lines pass through origin, all three of them, y equals to mx, y intercept 0 है, y intercept 0 है मतलब they are passing through origin, what else, y equals to mx, और थोड़ा सा सजेशन दे सकते हैं, ये लाइन को अगर मैं प्लॉट करने के लिए बोलूंगा तो आप बना सकते हो सर्कल के साथ, कट द सर्कमफेरेंस, ऑफ कोर्स सेंटर से पास हो रहा है तो कट द सर्कमफेरेंस तो हो गई किधर, बट ये कैसा दिखेगा, कुछ और पॉइंट कर सकते हैं, सोचो सोचो सोचो, आई विल गिव यू लाइक 4-5 मिनट्स, ऑल ऑफ देम आर पासिंग थ्रू ओरिजिन्स, ओरिजिन्स क्या होता है, ओरिजिन, ऑल थ्री ऑफ द लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन that you can see. Cut the circumference in one direction only. Yes, Kedar, of course. मतलब जैसे एक लाइन में बना देता हूं ऐसा, एक डायरेक्शन में एक लाइन बनाया तो ये ए पे मीट कर रहा है, बट आई वॉन्ट यू टू बी लाइक थोड़ा सा और स्पेसिफिक कुछ कमेंट कर सकता हूं मैं ऐसे तीन लाइन बनाए, तीन रेज बनाए, हाँ? So, tangent क्यों नहीं आपने बोला था, क्यों अगर सेंटर से पास हो रहा है तो tangent कैसे हो सकता है दोस्त, okay. All three are passing through origin, which is the center. All three of the lines are passing through 0-0 or center of the circle. Sir, and how do you know that they lie on the circle? उसने बताया है, origin से एक line बना, उसने बोला ओरिजिन से एक ऐसे लाइन नहीं रे बना, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग दिस गिवन सर्कल एट ए, फिर एक और लाइन बना बी, एक और लाइन बना सी, ऐसा बोल के रखा ना उसने, 66 क्वेश्चन में दिया है पूरा, सोचो क्या करोगे, पूर्ण, वेरी गुड पूर्ण, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, तेरा आ जाना चाहिए, और स्पेसिफिक एक और चीज स्पेसिफिक लिख सकता हूं मैं इस डायग्राम में, अभी तक एक ही बच्चे ने बोला है, और कुछ मार्क कर सकता हूं मैं इधर, ए सबका डिस्टेंस ए होगा, हाँ इन सबका डिस्टेंस ए होगा, ओके करेक्ट, वो तो ठीक है, चलो और कुछ, एनीथिंग एल्स, तुम इन तीनों से एक डेटा मिस कर रहे हो, इन तीनों से एक डेटा और उठाओ, सानी का उसको बाद में यूज करेंगे, बट वन मोर थिंग इज मिसिंग, ऑफकोर्स सानी का यू गोइंग टू यूज दैट, बट आफ्टर लाइक समथिंग एल्स, आई नीड यू गाइस टू मेंशन वन मोर थिंग, इस डायग्राम में एक चीज और मिसिंग है, मैंने अभी तक क्या मार्क नहीं करा है, सो ऑर्थो सेंटर, नो ऑर्थो सेंटर नहीं, नो नहीं, एंगल्स, श्रेया यस यू आर राइट, श्रेया ने सही बताया अभी तक, तुम लाइंस को देख के कुछ मिस नहीं कर रहे हो डेटा, वापिस से लाइंस को देखो ना, कैसा लाइन से ये, परपेंडिकुलर नहीं यार, सानिका एंड श्रेया हैव मेंशनड इट करेक्टली, कॉन्करेंट तो है, एक बच्चे ने अभी कुछ बोला क्या, अरे तुम लोग एंगल क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं, ये y equals to tan theta 1 into x, तो शुड आई नॉट फर्स्ट मेंशन थीटा 1 कहां है, बताओ कौन सा एंगल है थीटा 1, कौन सा एंगल थीटा वन है, स्लोप एंगल, ये वाले थे स्लोप एंगल, तीनों के स्लोप एंगल ही थीटा वन है, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, तो एक मेंशन कर दो, सारे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये थीटा वन मेंशनड है, तो आप सोच के बताओ क्या करोगे, आई हैव नो आइडिया, तुम लोग सोच के बताओ क्या करोगे,
सर मुझे डाउट है कि लाइक इसमें क्वेश्चन में मैं कहां बोला कि एबीसी सर्कल के ऊपर लाइक करता है फ्रॉम ओरिजिन थ्री रेज मीट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन पॉइंट्स ए बी एंड सी तो एक रे मैंने बनाया अच्छा या गॉट इट हां और वो सर्कल को मीट कर रहा है ए बी और सी पे ऐसा तो बोला है ना उसने सोचो अब मैं तुम्हें टाइम देता हूं 4-5 मिनट और सोचो अभी इसमें एक और चीज मुझे चाहिए प्रेफरेबल इस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अभी भी डिफरेंस तो है एक प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ था और वो यहाँ पे नहीं है कोई बताएगा क्या साइन और कोसाइन रूल नहीं यार कुशल नो हर्ष नो सोचो देन प्रूव दैट द लाइन पासेस थ्रू ऑर्थो सेंटर हाउ डू वी प्रूव अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट हाउ डू वी प्रूव दैट अ लाइन पासेस थ्रू सम पॉइंट सर मे बी हम ट्रायंगल बना देंगे ट्रायंगल बना लो चलो ठीक है बट अभी इसमें ट्रायंगल में कुछ कुछ मिसिंग है डेटा क्या क्या मिसिंग है चलो बना लो ट्रायंगल साइरन सर्कम सेंटर तो पता ही है हमें हाँ हर्ष गौरव हर्ष सही बोल रहे हो तो इसमें उसको कुछ कर सकते हैं अपन सोच के बता जल्दी ये बाद में लाइन बनाता हूं मैं पहले मुझे और कंस्ट्रक्शन करना है नहीं पूर्ण नहीं और इजी ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर भी क्यों डायरेक्टली लिख सकते हैं पूर्ण अच्छा पहले एनी पे मुझे तो ये बताओ कि लाइन पासेस थ्रू ऑर्थो सेंटर कैसे जस्टिफाई करूं हाउ डू यू नो अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट और नॉट हाउ डू यू नो अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट और नॉट सैटिस्फाई करना चाहिए तो अगर एक लाइन प्रूव करना है कि ऑर्थो सेंटर से पास हो रहा है तो आई नीड टू प्रूव दैट दिस लाइन पे ऑर्थो सेंटर सैटिस्फाइज है ना बट यार ऑर्थो सेंटर तो पता ही नहीं है ऑर्थो सेंटर तो पता ही नहीं है क्या करूं क्या मैं ऑर्थो सेंटर निकाल सकता हूं बोलो कैन वी फाइंड ऑर्थो सेंटर मिरर इमेज नो हर्ष नो एनीथिंग एल्स कैन वी फाइंड ऑर्थो सेंटर Sir, drop perpendicular from B. ASA. No. वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा. Anything else? चलो. A का coordinate बताओ. Can anyone tell me A का coordinate? Sir, R sin theta plus A sin theta. सर ए कॉस कॉस थीटा सॉरी बस सिंपल अरे क्यों तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो इधर उधर हाईफाई दुनिया में जा रहे हो ये ए डिस्टेंस गिवन है ये थीटा वन डिस्टेंस गिवन है तो ये डिस्टेंस पता है ये एंगल पता है तो मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता यस या तो पैरामेट्रिक बोलो या फिर लिटरली परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो यार जीरो प्लस ए कॉस थीटा वन कॉमा जीरो प्लस ए साइन थीटा वन समझ आ रहा है बच्चों को या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो यार मैं क्या बोलूं ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए साइन थीटा और एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉस थीटा याद आया कुछ यस यस सर तो फिर बी का कोऑर्डिनेट बताओ मैं डायग्राम नहीं बना रहा बट समझ आओ बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देन व्हाट विल बी द बी का कोऑर्डिनेट ए साइन ए कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 2 वेरी गुड ए कॉस थीटा 2 कॉमा बी साइन थीटा 2 सॉरी अब बताओ अब क्या करूं नेक्स्ट
अब क्या करूं नेक्स्ट? सो वी कैन फाइंड द सेंट्रोइड एंड देन वी एंड आल्सो एक और चीज सर, यूलर्स इक्वेशन कर सकते हैं। बट यूलर्स इक्वेशन के लिए क्या-क्या चाहिए? सो सेंट्रोइड होना होगा। सर एंड हां, क्या वी हैव ऑल दैट? क्या अपने पास वो पूरा डेटा है? यस, x1 प्लस x2 x3 ये अपॉन 3 डबल x1 प्लस सर्कम सेंटर पता है क्या? ट्रायंगल का, हां, इस सर्कल का सेंटर। सेंट्रोइड पता है क्या? हां, चलो निकाल लेते हैं। हां, तो मैं डायरेक्टली ऑर्थो सेंटर लिख दूं? हां सर। ऑर्थो सेंटर क्या जाएगा? जैसे सेंट्रोइड अगर आ गया तो ऑर्थो सेंटर लिटरली इस केस में भी क्या होने वाला है? ये सेंट्रोइड है और सर्कम सेंटर ओरिजिनली तो अगेन बाय ऑयलर लाइन कहने से इस केस में फिर से एच इज 3g, यस और नो? जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। यस, इसमें भी सर्कम सेंटर फॉर्चुनेटली ओरिजिन है, तो इसका मतलब है ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? ए टाइम्स चलेगा? यस। डज इट सेटिस्फाई द लाइन? यस, बस हो गया। यस, इट सेटिस्फाइज दिस लाइन। रख के देखो एक्स और वाई की जगह दिख रहा है। हाँ, x की जगह समीशन एक और दो, y की जगह समीशन ऐसा लिख दो। हाँ, हो गया, सेटिस्फाई, बस चलेगा। तो ये सारे थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्लास में ही कराना चाहता था। आई होप तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगा हो। कौन सा पार्ट बताओ सर? ऑर्थो सेंटर के बाद क्या किया? ऑर्थो सेंटर उसने तो फिर क्या पूछा था? Prove that the line passes through ortho center. उसने पूछा था ना कि prove that this line passes through ortho center. अब अगर ortho center आ गया है, तो put कर दो ना इस line पे, check कर लो, satisfy कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब वो उसका locus हो गया ना? Okay, locus भी बोल सकते हो, but उसने खाली ये पूछा था कि ortho center जो भी आएगा, वो इस line को satisfy करेगा क्या? मैंने हाँ दिख रहा है, ये और ये x और y की जगह put करो, true है ये। ortho center lies on this line. जीरो जी। ठीक है? उसने पूछा था कि क्या ये लाइन ऑर्थो सेंटर से पास हो रहा है? हाँ, मैंने ऑर्थो सेंटर निकाल के रखा है। यस, इट सैटिस्फाइज। पुट करके देखो ना, एक्स की जगह ये रख दो, ए टाइम्स समीशन कॉस थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और वाई की जगह ए साइन थीटा, तो समीशन साइन थीटा इक्वल्स टू समीशन साइन थीटा। यस, दिख रहा है, सैटिस्फाइज। ऑलराइट, यस, चलो, यस, चलो ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, हाँ हाँ कॉपी कर लो, मैं थोड़ा सा पेयर ऑफ लाइंस बेसिक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, फिर अपन डाउट्स लेते हैं। वैसे आज अपन को डाउट्स में डिस्कस क्या क्या करना था मैं भूल गया यार। सो 1A1B, जस्ट 1A1B, 1A1B 1C एंड इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 भी करना था। ठीक है, तो इन चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1A1B 1C तक पहुंच जाते हैं। सर अब असाइनमेंट्स नेक्स्ट संडे लोगे? असाइनमेंट और टेस्ट यू मीन? हाँ, वही टेस्ट नेक्स्ट संडे। हाँ, नेक्स्ट संडे, जब तक तुम थोड़ा सा और बुकलेट सॉल्व कर लो। यस सर। ओके सर, मतलब एटलीस्ट 2A तो तुम्हें कंपलसरीली करना ही है, 2A और मल्टीपल करेक्ट, वो तो करना ही है कंपलसरीली। बाकी एक्सरसाइज 3 वगैरह के मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मार्क कर दूंगा, यू डोंट हैव टू सॉल्व द एंटायर एक्सरसाइज 3। कुछ लाइक 10-15 सम्स तो अपन ने क्लास में कर लिए, 10 सम्स कह रहा हूँ एक्सरसाइज 3 के। चलो, तो इनफैक्ट अब डाउट्स ही ले लेता हूं यार, मैं क्या इंट्रोड्यूस करूंगा यार, इट्स बेटर इफ आई डिस्कस अच्छे से कर ही लेता हूं। एक काम करो, यस सर, मंडे को डाउट्स ही ले लेता हूं, फिर नया फ्रेश टॉपिक मैं इसे स्टार्ट चलेगा। बताओ, चलो तो फिर इसको कॉपी कर लो, आई विल स्टार्ट विद इन चैप्टर 3। In chapter 3, 1A तो यार hardly doubts होने चाहिए तुम लोग का, I'm not expecting more than 3-4 doubts. चलो बोलो, in chapter 3. Hmm.
सर बोलो बोलो प्रीवियस आंसर था उसमें लास्ट में हमने कैसे कंक्लूड किया ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना देख ये इक्वेशन बन रही ना ये लाइन का मतलब क्या है समेशन कॉस थीटा आई इंटू वाई माइनस समेशन साइन थीटा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो ये वाली ये लाइन है तो मैंने बोला यार ये वाली लाइन को ऑर्थो सेंटर सेटिस्फाई कर रहा है जस्ट पुट द पॉइंट एंड चेक जीरो बन रहा है क्या वाई की जगह रखा तो समेशन कॉस इंटू समेशन साइन एक्स की जगह समेशन कॉस वाला रख दिया तो समेशन साइन इंटू समेशन कॉस जीरो सेटिस्फाइज सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये लाइन इससे पास हो रहा है क्या तुम गॉट इट सर थैंक यू सब डाउट्स ले रहे हो हां 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 डाउट्स इन चैप्टर 3 बोलो इन चैप्टर 3 में क्या-क्या है एक आया है 8 आया है 15 आया है व्हाट एल्स एनीथिंग एल्स 15 11 व्हाट एल्स चलो तो अभी इतने तीन ही आए कुछ और होगा तो ऐड कर लेना तो 8 से स्टार्ट करते हैं बच्चों ऑलराइट तो 8 से हम क्या बोल रहे हैं द पॉइंट मूव सो दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट तो काफी इजी है बच्चों लेट दैट पॉइंट बी पी एच कॉमा के लेट दिस पॉइंट बी ए कॉमा जीरो एंड दिस पॉइंट बी माइनस ए कॉमा जीरो तो गिवन क्या है क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर का मॉड्यूलस वो हमेशा 2k स्क्वायर होना चाहिए ऑलराइट तो अगर k पहले से गिवन है तो मैं इंस्टेड ऑफ h कॉमा के x1 y1 ले लेता हूं नहीं तो ये वाला h कॉमा के उस वाले k से इंटरफियर करेगा तो ये वाला लोकस वाला पॉइंट ले लेता हूं ठीक है दिस इज लोकस वाला पॉइंट तो व्हाट इज पी ए स्क्वायर टेक्निकली p और a के बीच का x माइनस a का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ठीक है What is PB square? तो PB square क्या बन जाएगा बच्चों X1 plus A का square plus Y1 square equals to इन दोनों के square का difference क्या होना चाहिए plus minus 2K square mod open कर दिया मैंने ठीक है तो mod open करेंगे तो plus minus 2K square इन दोनों का difference भी क्या बन जाएगा Y1 square cancel minus 4AX1 is plus minus 2K square तो X1 equals to क्या बन रहा है बच्चों k square by 2a plus or minus तो x1 की वैल्यू ये आ रही है तो अब x1 की जगह x रख दो आई थिंक ऑप्शन मैच हो गया यही दिया हुआ है चलेगा यस सर हां उसके बाद कौन सा है 11 सम लेट्स सी व्हाट 11 सम इज आस्किंग लेट an it सेम क्वेश्चन ठीक है तो p को इस बार x y ही ले लेते हैं a गिवन है minus 5 comma 0 और a dash गिवन है 5 comma 0 एंड मॉड ऑफ पी ए अच्छा मॉड ऑफ पी ए सर ए 5,0 है हाँ भाई भावनाओं को समझो यार इट डजंट चेंज एनीथिंग चलो ठीक है लिख देता हूँ ओके अच्छा इस पे क्यों मॉड लगाया इट मीन्स अच्छा ठीक है मतलब पी ए माइनस पी बी इज ऑलवेज 8 तो कोई मुझे ये बात बताएगा कि ये सुन के कोई नाम बता सकता है वॉट इज इट कॉल्ड पी ए माइनस पी बी कॉन्स्टेंट दे रखा है ये कोई स्टैंडर्ड लोकस है जल्दी बताओ Is this some standard locus, बच्चों? Yes. हाँ, इसको बोलते थे hyperbola अगर याद हो तो नाम होना जरूरी नहीं है पता but anyway, I'm just like ऐसे asking. P variable है और a और a dash fixed हैं तो p a minus in fact मैं इसको b बोल देता हूँ यार मेरे को p a minus b अच्छा ठीक है चलो तो what is this? What is technically p a? P a literally distance formula है कुछ नहीं कर सकते तो p a क्या बन जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये गिवन है 8 या माइनस 8 इज दिस ओके तो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1 अब एक काम करो इसको स्क्वायर कर सकते हो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन यू कैन स्क्वायर इट बट इससे थोड़ा सा बेटर वर्जन में बता देता हूँ स्क्वायर करोगे तो लेंथी होगा एक काम करो रैशनलाइज द लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर रेशनलाइज रेशनलाइज समझते हो तो ऐसे लाइक रूट रूट ए माइनस रूट बी है तो रेशनलाइज मतलब क्या करोगे ये समझ आ रहा है किसी को यस यस सर तो रूट ए माइनस रूट बी रेशनलाइज करोगे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा बच्चों ए माइनस बी तो ए माइनस बी मतलब क्या बन जाएगा दिस माइनस दिस
और डिनोमिनेटर में क्या बन चुका होगा बच्चों, रूट ए प्लस रूट बी। मेरे को पूरा पूरा लिखने में जोर आ रहा है, जोर से एकदम काफी जोर से पूरा पूरा लिखना कीप अप हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो न्यूमरेटर क्या बच रहा है, व्हाट आर यू गेटिंग न्यूमरेटर एज, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो गया, दिख रहा है? यस सर। न्यूमरेटर क्या बच रहा है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर और x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा 4ab, मतलब 20x। ठीक है, और ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं बच्चों, आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो। ऐसा जो डिनोमिनेटर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 8 को इधर डिवाइड कर दिया, यू शुड बी एबल टू सी दिस कि ये क्या हो रहा है, बट आई होप ये चमकाओ। लेट्स कॉल दिस 2। ठीक है, अब क्या करूंगा जल्दी बताओ, 1 plus 2। तो अच्छी बात क्या हो रही है 1 plus 2 में, जल्दी बताओ, व्हाट इज गुड थिंग अबाउट 1 plus 2, 1 plus 2 में? अरे रुक जाओ, सॉरी यार, मैंने जो रैशनलाइज करा था वो गलत लिखा, यहाँ पे प्लस बचेगा, आई एम सॉरी, रैशनलाइज करने का नीचे प्लस बचेगा। तो 1 plus 2 में ये x माइनस 5 वाला जो दूसरा वाला रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, आई होप यू कैन सी दैट। तो 2 times दिस, और राइट साइड में क्या बचेगा बच्चों, प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 20x by 8 को भी मैं क्या लिख देता हूं, इट इज डिविजिबल बाय 4, तो 5x by 2। इज दिस ओके? अब क्या करोगे, अब स्क्वायर करना बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है, तो ना स्क्वायर, तो 4 times x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज, या तो दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो इवेंचुअली यही बन रहा है बच्चों, 8 plus 5x by 2 का होल स्क्वायर, तो वो क्या बन रहा है, अरे यार 4x square plus 4y square, ये बचेगा 10x, और बाहर से वो आ जाएगा तो 40x plus 5, 25 into 4 is 100, और LHS क्या बन जाएगा, 64 plus 25x square by 2 plus 40x, cool, awesome, ये बच रहा है। तो what do we get, उधर ले जाते हैं, तो 25 minus 8 कितना होता है, 25 minus 8 और ये बन जाएगा 36, तो एक काम करो पूरे को 36 से डिवाइड कर लो, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व करोगे, स्क्वायर करोगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, बट ये रिलेटिवली इजी हुआ, इट्स नॉट इजी, रिलेटिवली इजी। ओके, चलो उसके बाद यू गाइस आस्क 15th क्वेश्चन, तो 15 कर देता हूं, 2 वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आर डिसेंडेंट्स, इफ द सेंट्रोइड मूव्स ऑन द कर्व xy equals to 1 देन द लोकस ऑफ c। ओके ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी एबीसी, तो a कितना गिवन है 1, 2, b is given 2, 1, and c is given let's say, अच्छा c निकालना है h, कॉमा के। ठीक है, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या बन गया बच्चों, दिस प्लस दिस प्लस दिस बाय 3, h प्लस 3 बाय 3 एंड 2 प्लस 1 प्लस k बाय 3, k प्लस 3 बाय 3, ऑलराइट, दिस इज सेंट्रोइड, और उसने क्या दिया हुआ है, सेंट्रोइड मूव्स ऑन, सेंट्रोइड किस कर्व पे मूव कर रहा है, xy = 1, मतलब सेंट्रोइड इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x की जगह क्या रख दो इसका x कोऑर्डिनेट, y की जगह क्या रख दो इसका y कोऑर्डिनेट, तो बस हो गया, दैट्स इट, x प्लस 3 इंटू y प्लस 3 इज 9, और सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, xy प्लस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, आई थिंक दैट इज द यस ऑप्शन, ये गिवन है। ठीक है, आई होप दिस टेक्स केयर ऑफ योर इन चैप्टर 3 के डाउट्स, then let's jump to 1a, tell me 1a, 1a, sir, हाँ भैया जी, sir इनका आंसर xy is equal to 3x plus 3y दिया हुआ है, मिसप्रिंट हो गया यार,
मिसप्रिंट होगा, आई डोंट थिंक मैंने कुछ गलती करी है, सेंट्रोइड तो यही आएगा और सी का लोकल, नहीं यार ये सही है यार, कुछ मिसप्रिंट है। ओके ओके ठीक है। वने में से पूछे, चलो वने में कुछ डाउट है एनीवन कि हो गया सबका सॉल्व? हो गया सर, सिंपल था। चलो बहुत ही बढ़िया, आई एम हैप्पी। वन बी बताओ, वन बी में तो होंगे एटलीस्ट 5-6 तो होंगे ही होंगे। वन बी वन बी 27 नेक्स्ट, बस 27 एक ही डाउट है, 27 33 37 चलो, और कुछ? चलो अगर और कुछ नहीं है तो मैं यहीं से आगे बढ़ता हूं। तो 27 क्या बोल रहा है बच्चों, 27th sum is locus of point of intersection of these two lines। अच्छा ओके 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 ठीक है, थोड़ा सा पोपट हुआ होगा बट मैं कंप्लीटली अनपोपटिफाई कर देता हूँ। लुक एट दिस, ये एक लाइन गिवन है और दूसरा गिवन है √3kx प्लस ky माइनस 4√3, मतलब इक्वल्स टू 4√3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। तो देखो बच्चों ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से डिफाइंड है, मतलब क्या बोलूं यार मैं इसको, अगर लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो जस्ट इन दोनों इक्वेशन में से क्या एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट के इन दोनों में से, दैट्स इट। देखो एक्चुअल रीजन बता देता हूं, तुम्हें करना चाहिए वैसे बट जरूरत नहीं है। लेट पी एच कॉमा के बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, लेट पी एच कॉमा के बी द इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर एच कॉमा के इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो √3h माइनस के इज 4√3k एंड साथ ही साथ इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो √3h प्लस y इक्वल्स टू 4√3 अपॉन k बन जाएगा कि नहीं बताओ, यहां से k कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया, और इन दोनों में से k एलिमिनेट करना है बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू गेट द इक्वेशन लोकस निकालना है तो वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कैसे करो, इन दोनों में से k, हाउ डू आई एलिमिनेट, अरे यार अच्छा सॉरी नॉट k, of course it would be a big mistake if you take x, sorry h comma k, instead take x1 y1 kyunki already k present hai equation mein, theek hai, to isme se eliminate karna hai k ko, to kya kar do, simply multiply, so if you multiply what do you get, 3x1 square minus y1 square equals to 4√3 ka square kitna hota 48, this is your locus, ye tumhara locus hai aur ye किसके जैसा दिख रहा है। अच्छा एक काम करो, ओके नाउ आई अंडरस्टैंड। अच्छा बच्चों ये हाइपरबोला होता है एंड देयर इज नो वे फॉर यू टू नो दिस राइट नाउ कि स्कूल में हो चुका है। हाइपरबोला की इक्वेशन पता है कैसी दिखती है, आर यू अवेयर हाइपरबोला की इक्वेशन कैसी दिखती है, नो अच्छा ठीक है तो फिर फिलहाल जाने दो, लेट इट बी, क्योंकि मैं वो तो अपन को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ नहीं है, वो तो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ नहीं है, बट ये हाइपरबोला है सॉर्ट ऑफ, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला। जैसे सर्कल ऐसा दिखता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इलिप्स ऐसा दिखता है, एक्स स्क्वायर अपॉन सम कॉन्स्टेंट प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सम अनदर कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू ऐसा 1, ऐसा टाइप का इलिप्स दिखता है। हाइपरबोला कैसा दिखता है, एक्स स्क्वायर बाय सम कांस्टेंट माइनस वाई स्क्वायर बाय सम कांस्टेंट इक्वल्स टू 1, ऐसा टाइप का। पैराबोला कैसा दिखता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स। तो ये आप एक एक करके सीखेंगे, तो अभी उसने ज्यादा ऐसे पूछ लिया, स्ट्रेट लाइन में तो मैं सिखा नहीं सकता कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इट्स टू सून, तो फॉर द टाइम बीइंग जस्ट ऐसे ही, अगर आपका ये आ गया था तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, यही बताना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। फॉरगेट अबाउट द वर्ड हाइपरबोला, बट दिस इज द लोकस, उसको क्या बोलते हैं वो अभी जाने दो, फॉर द टाइमिंग इट्स टू सून। ओके आई एम अज्यूमिंग यही डाउट होगा आप लोगों का, एलिमिनेट तो हो गया होगा कि इसको हाइपरबोला बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा। ठीक है चलो, तो 33 इनकम्प्लीट क्वेश्चन, आई एम सॉरी मैं बताना भूल गया,
33 कैंसिल ही कर दो, इनकम्प्लीट है। 33 में कंडीशन ही गिवन नहीं है, कुछ बीच में मिसिंग है। देखो ना 33 क्या बोल रहा है, x by a plus y by b equals to 1 is a variable line such that what? Something is missing. Okay? तो फिलहाल इसको डिच मार दो 33. 37. Okay, 37 looks cool. 37 is 16 a square minus 40 ab plus 25 b square equals to c square. है ना? If you look at the left side, it is clearly 4a minus 5b ka whole square bachcho. Is this okay? 4a minus 5b ka whole square is c square. So 4a minus 5b is plus or minus c. ठीक है? तो इससे दो पॉसिबिलिटी आ रही है बच्चों, एक 4a minus 5b equals to c और एक आ रहा है 4a minus 5b equals to minus c. ठीक है, दोनों को अच्छे से रीअरेंज करो। इसको क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखना, माइनस फोर ए प्लस फाइव बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, फोर ए माइनस फाइव बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अगर जो क्वेश्चन गिवन है वो ट्रू है तो ये ट्रू है। तो कोई बता सकता है, इफ दिस इज ट्रू देन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये लाइन कहां से पास हो रहा है, कोई बता सकता है बच्चों? Then this line necessarily passes through. देख के समझ आ रहा है? ये मैंने बताया था कि हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। ये लाइन कहां से पास हो रहा है? दिख रहा माइनस फोर कॉमा फाइव या फिर फोर कॉमा माइनस फाइव, क्लियरली सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। इट्स ओके, आई होप क्लियर हो गया हो ये वाला डाउट। चलो शूट 2a की 1c है नेक्स्ट, 2a है कि 1c है नेक्स्ट, टू ए। चलो 2a में से क्या क्या डिस्कस करना है बताओ, बच्चों एनीथिंग टू बी डिस्कस फ्रॉम 2a perhaps? सानिध्य ये 1920 2a का है कि 1b का है? ठीक है 1920, चलो तो 2a का 1920 पूछा है, और क्या पूछा है 26, ठीक है, और कुछ हो तो ऐड करवा लेना। ओके तो लेट्स से व्हाट इज 19th सम आस्किंग, 19th is some kya line through origin is slope m and another line l2 through 2,3 is slope 2m. Okay, to ye origin se pass ho raha hai aur iska slope kya given hai m, aur ek 2,3 se ek aur line pass ho raha hai, iska slope kya given hai 2m. All right, ye 2,3 se pass ho raha hai, to usne kya pucha hai, find the इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल वन एल टू डिस्क्राइब द कर्व, ये इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस मांगा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, देखो ये पॉइंट ओरिजिन है तो क्लियर बात दिख रही है कि ओपी का स्लोप एम गिवन है, तो एम की वैल्यू क्या बन जाएगी, के माइनस जीरो अपॉन एच माइनस जीरो, और के बाई एच इज सिंपली एम। ऑल राइट, एंड ये जो भी ये है एपी का स्लोप क्या गिवन है, स्लोप ऑफ एपी क्या गिवन है 2m, बट स्लोप क्या होता है k माइनस 3 अपॉन एच माइनस 2, इट इज गिवन 2m। और लोकस निकालना है तो वेरिएबल इसमें क्या दिया हुआ है, m, m इज अपेरेंटली द वेरिएबल, तो एलिमिनेट m, यू नीड टू एलिमिनेट द वेरिएबल, तो m यहां से उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लिटरली लोकस ये आ गया k माइनस 3 अपॉन एच माइनस 2 इज 2 टाइम्स k बाय एच, सिंपल। तो ये लोकस क्या बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एच के माइनस थ्री एच इज टू एच के माइनस फोर के, ये लोकस आ रहा है, और एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल्स टू जीरो, दिस इज योर लोकस बच्चों, चलेगा? 29 ऐड हो गया है, ठीक है, लेट्स डू 20 एंड 26, 29, 20 क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेक्स वेरिएबल इंटरसेप्ट्स ए एंड बी, ए और बी वेरिएबल है,
वेरिएबल इंटरसेप्ट बना रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, सच दैट गिवन क्या कंडीशन है बच्चों इस बार, 1/a² + 1/b² = 1/c² एंड इक्वेशन ऑफ पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन से इस पे 90 डिग्री ड्रॉप करा है तो इसका लोकस निकालना है h कॉमा के, फाइंड द लोकस h कॉमा के, ऑलराइट। तो ये देखो, एक काम करता हूं, इसको थीटा मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो OP अपॉन A इज cos थीटा, इज दिस ओके? तो इसका मतलब A की वैल्यू क्या मिल रही है, A की वैल्यू मिल रही है OP अपॉन cos थीटा, है ना, एंड ये थीटा है तो ये 90 माइनस, मतलब ये थीटा हो जाएगा, ऑलराइट, बिकॉज इफ दिस इज थीटा दिस हैज टू बी 90 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा। तो OP अपॉन B क्या बन जाएगा बच्चों, OP अपॉन बी, नहीं मैंने गलती करी, ये साइन थीटा है, सॉरी, OP अपॉन ए साइन थीटा है और OP अपॉन बी कॉस थीटा है, सॉरी, OP अपॉन बी कॉस थीटा है, तो दैट इंप्लाइज बी की, स्मॉल बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, OP अपॉन कॉस थीटा, और इन दोनों को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/a² मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाय ओपी स्क्वायर प्लस 1/b² की मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाय ओपी स्क्वायर इज 1/c², ये समझा, ऑलराइट। तो वो क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन बन गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 1/op² इज c², तो इसका मतलब आ रहा है op² इज c², बट op² टेक्निकली क्या है, o और p के बीच का डिस्टेंस, तो op² तो लिटरली ये हो गया कि नहीं बताओ, चलेगा बच्चों को, देख लो एक बार, op² मतलब लिटरली डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके चलो लेट्स डू 26। तो व्हाट इज 26th क्वेश्चन आस्किंग अस, 26 तो मैंने क्लास में कराया है दोस्त, बहुत इजीली 26 करना है क्या, 26 तो मैंने क्लास में कराया था, 29, 30, चलो एक बार 26 नोट्स में देख लो, पैरामेट्रिक क्वेश्चन वाले लेक्चर की बात कराया था मैंने, 29 क्या बोल रहा है, वेरिएबल लाइन थ्रू फिक्स पॉइंट ए कॉमा बी इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इस बार इस कोऑर्डिनेट एक्सिस एक वेरिएबल लाइन जो ऐसे पी पॉइंट ए कॉमा बी से पास हो रहा है इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, इफ ओ इज द ओरिजिन देन पाथ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ऑल राइट। तो सेंट्रॉइड जो भी होगा सेंट्रॉइड, तो लेट सेंट्रॉइड बी एच कॉमा के, इसका लोकस निकालना है, ऑल राइट, ओके। तो एक काम करते हैं, चलो ठीक है, तो थोड़ा अजम्पशन लेना पड़ेगा बच्चों, ए को मैं ले रहा हूं x1, 0 और बी को क्या ले रहा हूं 0, y1, x1, 0 x एक्सिस पे है और ये 0, y1 y एक्सिस पे ट्राइंगल हुई भी, तो x1 y1 वेरिएबल है, बट यू अंडरस्टैंड लाइन ओ सॉरी लाइन ए बी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस पर एक्स इंटरसेप्ट इज एक्स वन वाई इंटरसेप्ट इज वाई वन, तो एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू वन, ऑल्सो पी ए कॉमा बी से ये लाइन हमेशा पास हो रहा है तो पी ए कॉमा बी हमेशा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहां पर पुट कर दो, तो ए बाई x1 प्लस बी बाई वाई वन इक्वल्स टू वन, बट वी आर नॉट डन येट, अपन को लोकस निकालना है सेंट्रॉइड का, तो सेंट्रॉइड का रिलेशन तो निकालो, तो सेंट्रॉइड क्या बन रहा है बच्चों 0 + x1 + 0/3, सेंट्रॉइड इज x1/3 और 0 + 0 + y1/3, ये समझा। सो अपन ने सेंट्रॉइड लिया था एच कॉमा के, तो एच इज टेक्निकली x1/3, के इज टेक्निकली y1/3, इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो बिकॉज वी नीड टू गेट इट ऑफ x1 y1, तो ए बाय x1 की जगह 3h रख दो, y1 की जगह 3k रख दो, या क्या लोकस LCM ले लो, क्या बन जाएगा ay + bx = 3xy, दिस इज द लोकस, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। देन somebody asked 30th वाला क्लास में तो कराया था, एक लेंथ रॉड ऑफ लेंथ L है, स्लाइड्स बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, याद आ रहा है, rod of length is slides between coordinate axis,
तो बहुत इजी है. इफ दिस इज मिड पॉइंट एच कॉमा के, इसको ए कॉमा जीरो और इसको जीरो कॉमा बी अज्यूम कर देता हूं. तो गिवन खाली इंफॉर्मेशन में यह है कि ए बी का लेंथ होना चाहिए एल. तो ए बी का लेंथ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर होना चाहिए, यह गिवन है. बट मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो एच क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ दिस. तो एच इज जीरो प्लस ए बाई टू एंड के इज जीरो प्लस बी बाई टू. तो ए बाई टू बी बाई टू को ऐसे ए को पुट कर दो टू एच, तो फोर एच स्क्वायर. बी को पुट कर दो टू के, तो फोर के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर. तो सिंपल ये इक्वेशन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाय फोर. ठीक है, और कुछ बच्चों? हाँ कर सकता हूं तन्मय, अच्छा रुक जा. बाकी और किसी को अगर स्ट्रेट लाइन में डाउट नहीं है तो मैं फिर वो बचा हुआ ट्रिक इक्वेशन कर देता हूँ. एनीवन एल्स बच्चों, एनीथिंग एल्स? कैन यू सॉल्व एक्सरसाइज 367? हाँ रुक जा, पूर्ण कर देता हूँ एक्सरसाइज 367. ओके, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 67. तो क्या पूछा है? अरे along this is incident on the line. All right, तो एक line given है x minus 3y plus 5 equals to 0. ऐसा कुछ given है. और एक ray, ऐसा ray मतलब ऐसा, ये line ही है जिसकी equation given है but उसको ray जैसा बोल दिया है. ऐसा ये वाला line is incident and after refraction it rotates by angle pi by 12 away from this. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है. इट रोटेट्स बाय, हाँ ठीक है समझा. एक सेकेंड, अरे यार ये अगर स्ट्रेट लाइन होता तो ऐसा जाता, ठीक है. बट रिफ्रैक्शन का मतलब समझते हो? डू यू नो पूर्ण रिफ्रैक्शन का मतलब? समझा देखो, एक्चुअल लाइन ये है, दिस इज द एक्चुअल लाइन, रिफ्रैक्ट हो गया. जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऐसे करके ऐसे चला जाता है. बट रिफ्रेक्शन ऐसे होके थोड़ा सा जैसे पानी में होता है ना बेंडिंग ऑफ लाइट ऐसा वैसे. सो जस्ट लाइक दैट दे आर ट्राइंग टू टेल अस दैट द रे गॉट रिफ्रेक्टेड नॉट रिफ्लेक्टेड. सो दिस वुड हैव बीन द ओरिजिनल, ऐसे ऐसे कंटिन्यू हो जाता बट दिस इज द रिफ्रेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रेक्टेड रे. ऑलराइट, तो उसने क्या पूछा है? उसने पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्रेक्टेड रे. तो इस लाइन की इक्वेशन पूछी है. और ये लाइन क्या गिवन है? This line is x plus 10y equals to 34. तो पहले मैं intersection point निकाल लूं. Find intersection point P. क्योंकि refracted ray intersection point से pass होगा. Refracted ray will pass through the intersection point P. All right? तो intersection point P क्या आ जाएगा? दोनों को solve करते हैं. तो solve करना बहुत आसान है. Subtract कर दो. तो 13y equals to 39. तो y आ रहा है 3. और y3 आ रहा है तो x कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? यू पुट y3 4.3. सिंपल, ऑलराइट. 4.3 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. अब 4.3 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो अपन को खाली रिफ्रेक्टेड रे का स्लोप निकालना है. उसने बोला है कि ये अवे, तो आई एम अज्यूमिंग अवे मतलब यही बोलना चाह रहा है. इस लाइन से पाई बाय 12 और दूर रोटेट होके चला गया, ठीक है, और एक्स्ट्रा पाई बाय 12 रोटेट हो गया. तो ये एंगल पाई बाय 12 दिया हुआ है. ओके, बट ऐसा एक ही लाइन होगा. देखो मैं इसका स्लोप अज्यूम कर लेता हूं. लेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन बी m. फिर अपन थोड़ा ज्योमेट्रिकली देख लेंगे. इसका स्लोप m है और इसका स्लोप क्या गिवन है? इसका स्लोप गिवन है -1/10. तो एंगल बिटवीन लाइंस यूज करते हैं, ठीक है. एंगल बिटवीन लाइंस क्या बन जाएगा? m1 minus this upon 1 plus m1 m2. This should be plus or minus 10 pi by 12. Oh my god. Now this is horrible. 10m minus 1. Arre yaar. Kaash acha data de diya hota. 10m plus 1 upon 10 minus m.
एक सेकंड रुको, इनके बीच का एंगल पता है क्या अपन को? Do we know angle between these two? एक 1/3 है और एक -1/10 है. एक सेकंड, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 1/30, 1 plus m1 m2 तो ये बन जाएगा 13/30 और ये बन जाएगा 29. नहीं, 13/29 is nothing special. No, doesn't help. Okay, fine. थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी यार. Either 10, 15 degree क्या होता है? 2 minus root 3 और minus of 10, 15 degrees minus 2 plus root 3. तो चलो ठीक है, two equations. But eventually answer एक ही आना चाहिए, तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते अपन. What will this be? 10 times 2 minus root 3 plus 2 minus root 3 times m. एक ये बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा, 10m plus 1 is 10 times minus 2 plus root 3 plus m times 2 minus root 3. ठीक है, दो वैल्यूज आ रही है, बट सर आई गॉट टू स्लोप्स. आई यस, अच्छा टू स्लोप्स आ गया ना, तो देख उसके लिए अपन बहुत सारे मेथड लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गेट टू स्लोप्स, बट कौन सा वाला करेक्ट है? ओनली वन इज करेक्ट. तो इसके लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? एक्यूरेट डायग्राम. ऑलराइट, तो एक वाला लाइन एक्यूरेटली अगर बनाऊं मैं, तो पहला वाला रे क्या है, पहले मैं वो लगा लेता हूं जो मिरर जिस पर रिफ्रैक्ट हो रहा है. तो x plus 3y is 5, सॉरी x minus 3y is 5. तो x is 0, y is 5/3, 0, 5/3 ऐसा बना लेता हूं. y 0, x is minus 5. तो minus 5 is like something like this. तो ये वाला अपना मिरर एक तरीके से, दिस इज x minus 3y plus 5 equals to 0. इंसिडेंट वाला रे कौन सा होगा? इंसिडेंट रे का इक्वेशन क्या है? x को 0, y बन रहा है 3.4, इससे ऊपर होगा ना, हाँ. और y को 0, x बन रहा है 34. ओ जीसस, यहां से कहीं से लाइन आ रहा होगा. ये वाला तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, ऐसा ऐसा, ये वाला इंसिडेंट रे है. दिस इज द इंसिडेंट रे. बट उसने बोला है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पाई बाय 12 यूनिट्स बाहर चला गया. तो आई थिंक दिस शुड बी दी लाइन. इससे पाई बाय 12 दूर गया ना, तो ये वाला रिक्वायर्ड लाइन है, ये वाला, ऐसा, ये पाई बाय 12 हो गया है. तो अपन ने जो दो स्लोप्स निकाले वो कौन से स्लोप निकले? इस लाइन से जो पाई बाय 12 बना रहे हैं, तो एक ऐसा बना सकता है और ऐसा भी बना सकता है. तो आउट ऑफ दीज टू कौन सा वाला चाहिए हमें? वो वाला जिसका ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है. ऑलराइट, ऐसी दो लाइंस आएंगी ना, क्योंकि अपन ने यूज करा एंगल बिटवीन लाइंस. तो ये वाली जो ऐसी पिंक वाली लाइन है, उससे पाई बाय 12 ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है, बट वी स्पेसिफिकली वांट दैट वन. तो ये ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा. तो विच वन इज करेक्ट, हूज वैल्यू इज लेसर? ज्यादा नेगेटिव मतलब एक -10 आए और एक -20 आए, तो ये इसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव होगा. ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा वैल्यू आ रहा है निकालू कि ठीक है पूर्ण हो गया, समझ गया ना? इनमें से बस दो वैल्यूज निकालो, कौन सी है. तो जिसका ज्यादा नेगेटिव वैल्यू या फिर विच इज एक्चुअली लेसर, ठीक है. चलो, और कुछ पूछना है किसी को? चलो ठीक है. तो तन्मय यार, तू मुझे क्वेश्चन बता दे. नहीं, एक सेकंड, मेरे पास त्रिकोण इक्वेशन होना चाहिए बुकलेट. तन्मय बोल के बता देना यार, मुझे मिल नहीं रहा बुकलेट. नहीं, मिल गया मिल गया मिल गया. एक्सरसाइज 3:12 का सेकंड पार्ट. ओके, एक्सरसाइज 3:12 का सेकंड पार्ट. ओके, तो 12 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं? साइन स्क्वायर एन थीटा माइनस साइन स्क्वायर एन माइनस वन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा. तो
So by any chance you are aware of this, use this. Use this. ये पता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाता है सिंप्लीफाई करके. ट्रिको वन में क्या होगा ये? तो उसको मैंने रिवर्स में यूज कर लिया. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ऑफ दिस प्लस दिस इंटू साइन ऑफ दिस माइनस दिस. तो एक साइन साइन कैंसिल हो रहा है पहली बात तो. बट उसको कैंसिल करने से पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्नर में जीरो ले लेना, या फिर क्या बच रहा है ये. आगे करूं तन्मय की हो गया. ये तो थीटा क्या देखे जा रहा है? के पाए. और ये वाला क्या बन जाएगा? टू एन माइनस वन थीटा इज एम पाए प्लस माइनस वन रेस टू एम इंटू थीटा. आगे करूं तन्मय की? ठीक है ना? हाँ ठीक है. उसके बाद कौन सा है? 16 का सेकंड पार्ट. यह 16 का सेकंड मैंने तन्मय क्लास में कराया है. 16 का सेकंड टर्म में मैंने क्लास में कराया. चल मैं वापस से आइडिया दे देता हूं, बट नोट्स में ध्यान से देखना. मैंने कराया है अच्छे से, ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया था मैंने. टेन स्क्वायर को उधर ले जा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये चलेगा पहले तो ये. अब पहले तो इतने बड़े से एंगल को फिलहाल इसको कैपिटल ए ले ले और इसको कैपिटल बी ले ले. तो अब ऐसे विजुलाइज कर, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर बी. कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर बी इज ओनली पॉसिबल. कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर जब भी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल टू वन हो. ये समझ आ रहा है? क्योंकि कॉस स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वन होता है, सेक स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होता है. ऑलराइट, तो कॉस स्क्वायर ए भी बनो, सेक स्क्वायर बी भी बनो. तो कॉस स्क्वायर का वन होना मतलब साइन जीरो होना. तो ए होना चाहिए एन पाए, एन साथ ही साथ बी होना चाहिए एम पाए. ऑलराइट, सो इवेंचुअली द इक्वेशन बिकम्स दिस कि यार ए मतलब ये बड़ा सा जो है पाई बाय फोर इंटू साइन एक्स प्लस रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये होना चाहिए एन पाए एंड एक्स प्लस पाई बाय फोर टेन स्क्वायर एक्स होना चाहिए एम पाए. राइट, ये बन रहा है. इसके आगे करूं? इसके आगे भी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया. पहले पाई पाई कैंसिल करते हैं तो साइन एक्स प्लस रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स इज फोर एन. बट इसमें ध्यान से देख, बिकॉज ऑफ रेंज एन इक्वल्स टू जीरो इज दी ओनली पॉसिबिलिटी रेंज रिस्ट्रिक्शन के कारण. देखना, अगर मैं इनको वन पुट करता हूं तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि साइन एक्स प्लस रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स फोर हो रहा है. कभी हो सकता है फोर? नेवर. साइन एक्स प्लस रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स फोर हो ही नहीं सकता. तो इसमें एन के जीरो के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो उसके अलावा तो क्या बन जाएगा? ये रूट टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा. क्वाड्रेटिक सॉल्व कर ले. इसका रूट यहां पे भी पुट कर देना. आगे करूं कि ट्राई करना है? तन्मय ठीक है. चलो अच्छा, तो आज के लिए इतना काफी है. वैसे बच्चों तुम आज एक चीज और बताना भूल गए, मतलब बच्चों ने डिस्कनेक्ट कर दिया तो आज पढ़ाने का पॉइंट नहीं है. तो जो भी क्लास में है, मैं नोट और रिकॉर्डिंग तो शेयर कर देता हूँ, बट जो भी अभी क्लास में बैठे हुए हैं ये बताने ही भूल गए तुम लोग. वो स्किप हो गया था लास्ट लेक्चर, बट ये कंप्लीटली दिमाग से निकल गया. ये याद दिलाओगे? ये मुझे पहले ही करा देना चाहिए था, बट मेरे भी दिमाग से निकल गया. हाँ यार लक्ष्मी, आई नो इट इज अप टू 10:30, बट द प्रॉब्लम इज ओनली 15 किड्स आर लेफ्ट, सो इट विल नॉट बी फेयर टू एक्चुअली. एंड आधे बच्चों के दिमाग में पता नहीं ये था कि आज डाउट सेशन है. पीपल वर थिंकिंग दैट दिस इज अ डाउट सेशन, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कनेक्ट टू दिस लेक्चर. तो मैं और कुछ पढ़ा दूंगा तो पोपट ना हो जाए, क्योंकि मुझे वापस पढ़ाना ही पड़ेगा. आई थिंक आज का क्लास यहीं रोकते हैं. बट प्लीज 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 रिक्वेस्टिंग यू, द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज्ड टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर इज रिमाइंड मी दीज टू कॉन्सेप्ट्स. ओके, चलो बाय. थैंक यू सर. बाय सर. बाय, गुड डे. बाय सर. बाय.